प्राचीन काल तो साड़ी इस धरती ते गुरु साडे अध्यात्मक विचारां अते समाजक आदर्श दे मूल स्रोत चले आ रहे हैं। असी अपनी सभ्यता ते संस्कृति विच गुरु नू इतना मान ते सत्कार दिंदे हां जिवें अकाल पुरख आप साडे सामने हाजर नाजर होवे। जदों कदी भी देश पतन ते निराशा दियां डूंगियां खाइयां विच डिगदा है उस समय समाज नू तबाही ते बर्बादी तो बचान लई कोई पवित्र आत्मा इस धरती ते अवतार धारदी है। एक बार फिर जदों कट्टरता अते जुल्म सत्ताधारियां दे हथियार बने तां 300 वरे पहला उस समय देश नू आस अते विश्वास दी चमक दी किरण नजर आई जदों भारत मां दे महान सपुत्रां विच्चों एक गुरु गोविंद सिंह जी ने अवतार धारिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी जीवनी वचित्र नाटक विच लिखिया है कि ओ पिछले जन्म विच एक संत सन ते हिमालय पर्वत ते सिमरन करदे होए प्रभु चरणा नाल जुड़े होए सन। अकाल पुरख ने उन्हां दी भगती तो प्रसन्न होके असीस दित्ती ते इस दे नाल ही उन्हां नू इस धरती दे लोकां दी सेवा करन लई फेर तो जन्म लैण दा आदेश दित्ता। प्रभु जब आए मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया। तीन प्रभु जब आए मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया। चितना पयो उन्होंने अकाल पुरख के आदेश अनुसार 22 दिसंबर 1666 नूं अद्धी रात तों बाद बिहार प्रदेश के पटना शहर विखे अवतार धारिया।
गुरु साहब का प्रकाश दिवस उन्होंने श्रद्धालु अते होर लोकी पटना साहब विखे बड़ी श्रद्धा अते उत्साह नाल मनांदे हन। परम पिता अकाल पुरख के वरदान से दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने ऐतिहासिक नगरी पाटलिपुत्रा में जन्म लिया। पाटलिपुत्रा जिसे आज हम पटना कहते हैं, पटना जो मेरी जन्मभूमि भी है और इस बात का हमें अत्यंत ही गौरव है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पटना में जन्म लिया उस वक्त उनके पिता नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी पूर्व की यात्रा पे थे। नवजात शिशु के आने पे पटना की जनता आनंद विभोर हो गई, अपना लाड़ प्यार सब कुछ इस शिशु के ऊपर निछावर कर दिया और शिशु का नामकरण हुआ गोविंद राय। उस समय जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतार धारिया पंजाब दे कड़ाम पिंड जो एक समय भगवान राम दे नाना महाराज कौशल दे नां ते कौशलपुरी दे नां नाल जानिया जांदा सी विच एक सूफी संत भीखण शाह नमाज अदा करदिया होया अचानक रुक गया ते उसने पूरब वल मुंह करके सिर झुकाया। जदों उन्हां पासों इस तरह करन बारे पूछया गया तां उन्होंने दस्या कि पूरब विच एक महान बालक ने जन्म लिया है, इसलिए उसने दर्शना लई पूरब वल पटना दी यात्रा की थी। परंपरा अनुसार उसने बालक दे सामने सुक्के फलां अते मठियाई नाल परे दो कुजे पेश कीते। बालक ने दोहां नू अपनिया मुठ्ठां विच भर के एक संकेत दिता कि प्यार ते श्रद्धा नाल उन्हां नू जो भी चीज पेंट कीती जाएगी उसनू ओ स्वीकार करनगे। समय दे नाल नाल गोविंद राय नटखट सूझवान ते पूजन योग शख्सियत दे रूप विच परवान चढ़न लगे। गोविंद राय अकाल पुरख दियां बख्शिशां नाल भरपूर बालक सन, लोकी उन्हां नू प्यार करदे सन। प्राचीन देंद कथावां वांग उन्हां नाल भी कई प्रभावशाली रवायतां अते लोक कथावां जुड़ गईयां। उना विच्चों कई आज भी साडियां लोक परंपरावां दा अंग बनिया होईयां हन, पर ओ सचमुच एक नटखट बालक सन। अपनी हवेली दे वेड़े विच वाले खूह तो पानी पर आईयां औरतां दे परे घड़ियां नूं तोड़ के उना नूं बहुत आनंद मिलदा सी। ओ खूह अजे तक श्री हरमंदर जी पटना साहब दे अहाते विच मौजूद है। उना दिना दिया गुरु साहब दिया निजी वस्तां अते होर बहुत सारिया निशानियां श्री हरमिंदर पटना साहब विखे सांभियां हुई हन ते हर रोज शाम श्रद्धालुआं नूं उना दे दर्शन कराए जांदे हन। ए अति सुंदर गुरुद्वारा उस हवेली वाली थां ते बनिया होया है जो प्रसिद्ध सुनियारे सालिस राय ने संगत दी पेंट कीता सी। इत्थे ही गोविंद राय दा जन्म होया सी। बालक गोविंद राय आम तौर ते इना गलियां विच राजा फतेह चंद मैनी दी वड्डी हवेली दे सामने खेडदे सन। राजा दी पत्नी जिसदा अपना कोई बच्चा नहीं सी उहनां नूं खाण लई छोले दिया करदी सी। राणी मैनी बाल गोविंद राय नूं बड़े प्यार भरे नेत्रां नाल निहारदी सी। एक दिन बालक गोविंद राय चुप चपीते हवेली विच दाखल होए। उन्हां ने राणी मैनी नूं अकल्लियां अपने बिस्तर ते बैठियां वेख्या। ओ छाल मार के उसदी गोद विच जा बैठे
अते उसनू बड़े प्यार नाल आख्या मां। ओ पुरानी हवेली हुण उसे मिठी याद विच स्थापित है। अते किया जांदा है कि समा बीतण ते रानी मैनी मां बन गई। आज भी उत्थे उस दी याद विच केवल छोलियां दा प्रसाद ही वरताया जांदा है। बालक गोविंद राय नू पटना शहर बहुत प्यारा लगदा सी। ओ गंगा नदी नू भी प्यार करदे सन अते उस दे किनारियां ते खेड़दे रहंदे सन। एक दिन खेड़दे होए उन्हां ने अपने सोने दा कंगन दरिया विच छोड़ दिता। माता जी नू जिस वेले पता लग्या कि कंगन दरिया विच सुट्टिया गया है, माता जी नाल लै के नाल मछुआरियां नू लै के पुजे ते उन्होंने पूछा बेटा जी कंगन कित्थे डिग्गिया है। उन्होंने माता जी दे हाथ विच जिहड़ा दूजा कंगन सी ओह वी खोक के दरिया विच सुट दिता कि माता जी उत्थे सुट्टिया है। माता जी ने मलाहां नू कहा जाल सुट्टो ते कढ़ो कित्थे है कंगन, और कढ़ के जदों खिंचण लगे ते खिंचिया ना जाए, और जिस वेले खिंचया गया वो जाल ते उहदे विच लखां कंगन सन। छोटे गोविंद राय अपनी तुतली आवाज विच माता जी नू कहंदे ने माता जी अपना कंगन पछाण लो, बाद बाकी जिहड़ी है गंगा विधि गोद विच रहण दिओ। माता जी नू समझ आया कि मेरा बच्चा कोई वली अल्लाह दा रूप है। ओ अपने दोस्तां दे नाल दौड़दे होए गंगा वल जांदे सन। जिस थां ते कंगन दा गुआचना मन्या जांदा है उस थां ते यादगार दे रूप विच छोटा जिहा गुरद्वारा है अते ए थां कंगन घाट वजों प्रसिद्ध है। आखर पटना शहर विखे उन्हां दे रहण दा समां खत्म हो गया। गुरु तेग बहादुर जी पंजाब पुज गए सन। उन्होंने अपने परिवार नू अपने कोल बुला भेजिया। उस समय गोविंद राय 6 वर्यां दे सन। अपने मित्रां ते पटना शहर दे श्रद्धालुआं कोलों विछड़ना उन्हां लई बहुत दुखदाई समां सी। पटना शहर छड्डन तो बाद ओ इस दानापुर नां दे पिंड विच पुजे ते रात इत्थे करन लई डेरा कीता। उन्हां दे रात इत्थे रहण दी याद विच इक छोटा जिहा गुरद्वारा है। इस दा नां हांडी साहब है। इस दे नाल इक बड़ी प्यारी कथा संबंधित है। दानापुर साहब पहुंचदे हन, उत्थे इक बुजुर्ग महिला उड़ीक रही है। उन्हें भी पता लग गया है उड़ीक रही है। मन विच इच्छा हुई है कि जे गुरु आवे दर्शन देवे, मेरे को तुरिया नहीं जांदा, एनी भीड़ विच मैं जा नहीं सकती, ते गुरु दर्शन होवे मैं निहाल हो जावां, मैं अपने हाथी उन्हां नू खिचड़ी खवावांगी। ते मैं ते छोटी जी हांडी विच उन्हां लई खिचड़ी बनाई है, मैं अगर उन्हां नू परोसी ते दूजियां नू की देवांगी। पर शायद गुरु अंतर्यामी है, गुरु ने सुन ली है उसकी तकलीफ, और जिस वेले गुरु साहब पहुंचे हैं गुरु ने खुद मांग की है कि लिया मां तू मैनू खिचड़ी खवाना चाहती से ना, दे अपनी छोटी जी मैली जी भांडे नू देख दी है कि मैं गुरु नू किस तरह परोसा, किस चे परोस के देवा, और मैं अगर उन्हां नू परोस दिता उन्हां दे नाल होर भी बड़े लोग हैं। यही सोच के उस बुजुर्ग महिला ने भी अपनी वरतौन लगी है, वरतौंदी जांदी है, सारी संगत नू वरता ली उन्हें एक छोटी जी हांडी तो खिचड़ी, तां भी उहदे विच प्रसाद बाकी रहा है।
जिथे गुरु ने मेहर की थी, आज वो एक इतिहासिक गुरुद्वारे दे रूप जानिया जांदा है। हांडी साहब उस बुजुर्ग श्रद्धालु औरत दी याद विच इस गुरुद्वारे विच केवल खिचड़ी दा प्रसाद ही वंडिया जांदा है। जदों गुरु जी उथों चलन लगे ता श्रद्धालुआ ने उना नू कोई निशानी दे जान दी बेनती कीती। उना ने अपने चरणा दी छाप ला दिती जो आज तक इत्थे मौजूद है। पटना तो सफर बहुत लंबा सी। उना दिना विच उत्तर भारत विच मॉनसून दी वर्खा शुरू हो गई सी। नदियां विच हड़ आ गए अते पहाड़ां वल जांदियां सड़कां ते रुकावटां पैदा हो गईयां। एक बहुत ही मुश्किलां भरिया सफर सी। उना ने इना दिना विच वाराणसी, प्रयाग अते हरिद्वार दी यात्रा कीती। फिर माता गुजरी जी ने अंबाला नेड़े अपने पेके पिंड लखनौर वाल फेरा मारन दा फैसला कीता। उस समय लखनौर एक छोटा जिहा पिंड सी जिथे माता गुजरी जी दे पिता दा घर सी। उत्थे अजकल गुरुद्वारा लखनौर साहब स्थित है। उस पुरानी इमारत दिया कुछ निशानियां आज भी विखाई दिंदियां हन। पुराने घर विचले खू ते ए मकान माता गुजरी जी दे बचपन दी याद करवांदे हन। माता गुजरी जी ने मिठे पानी दा एक डूंगा खू खुदवाया सी जो आज भी वर्त्या जा रहा है। बालक गोविंद जो परिवार विच प्यार नाल बाला प्रीतम दे नां नाल सद्दे जांदे सन, इत्थे पिंड दे बालकां नाल खेड़दे सन। उन्हां दे इत्थे ठहरन दी याद अजे भी ताजा है। इन्हां मंजियां नूं सांभ के रख्या होया है अते इन्हां दी लगातार देखभाल कीती जांदी है। उन्हां दे इत्थे आउण दी याद विच माता गुजरी जी नाल संबंधित परात अते बालक गोबिंद राय दे कुछ तीर ते ताल भी सांभ के रखी हुई है। लखनौर विच 4 महीने ठहरन तो बाद आखर ओह आनंदपुर साहब पुजे जिथे गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार दी वर्ता नाल उड़ीक कर रहे सन। यह मिलन बहुत आनंददायक सी। गुरु तेग बहादुर जी दा यह प्यारा निवास स्थान जो किसे समय कहलूर दे राजियां दी मलकियत सी, गुरु जी ने राणी मां पासों खरीदिया सी। गुरु जी ने इस नूं नानकी दा चक दा नां दिता। नानकी दा चक छेती ही सारियां लई पूजा ते आनंद दा स्थान बन गया। इसलई इस दा नां आनंदपुर अर्थात आनंद नाल भरपूर स्थान है। दिल खिचवें दृशां अते माता पिता दे भरपूर प्यार ने बालक गोबिंद दे शरीर दे विकास अते गुणा विच निपुण होण विच बहुत मदद कीती। ए दिन गोबिंद राय लई बहुत ही खुशियां भरे सन। गुरु तेग बहादुर जी अपने निवास दे आंगन विचले इस आसन ते बैठते आशीर्वाद अते उपदेश लैन लई आउण वाले श्रद्धालुआं नूं दर्शन दिंदे। एक दिन कश्मीरी पंडतां दा प्रतिनिधि मंडल उन्हां दे दर्शनां लई आया। उन्हां ने गुरु जी नूं परे होए गले नाल अपने दुखां तकलीफां बारे दस्या कि जालम हाकम जोर ते जबर नाल उन्हां नूं अपना धर्म बदलन ते मजबूर कर रहे हन। धमकी दित्ती है कि तुसीं जां तां धर्म बदल लो जां मरो। ओ गुरु जी कोल मदद लैन अते मार्ग दर्शन लई आए हन। उन्हां दा बस यही गुनाह है कि ओ अपने बुजुर्गां दे धर्म दा आजादी नाल पालन करना
ते शांति नाल रहना चाहते हैं। जदों गुरु जी इत्थे बैठे कश्मीरी पंडतां दी हालत बारे गंभीरता नाल विचार कर रहे सन, तां उस समय बालक गोविंद राय खेडदे खेडदे उत्थे आए। उन्हां पुछया, पिता जी अज केड़ी गंभीर मुश्किल आ बनी है? गुरु तेग बहादुर जी ने दस्या कि हाकम अपनी धार्मिक कट्टरता कारण जालम ते पापी बन गए हैं। पिता जी तुसी की करना चाहते हो? बाल गोविंद राय ने पूछा। महान सीत गुरा ने आख्या कि हाकमां नूं इस गल दा एहसास करवाण लई कि जोर ते जबर नाल लोकां दीआं इच्छावां अते विश्वासां नूं दबाया नहीं जा सकदा, किसे पवित्र आत्मा दी कुर्बानी दी लोड़ है। पिता जी तुहाडे तों वध पवित्र आत्मा कौन है? हां बेटे, मैं लोकां दा मार्गदर्शन करांगा। फिर गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडतां नूं आख्या कि जाओ अते उना हाकमां नूं आखो कि जे ओ गुरु तेग बहादुर नूं अपना धर्म बदलन लई मना लैण तां ओ वी धर्म बदल लैणगे। गुरु तेग बहादुर जी जानदे सन कि अगों की होण वाला है। उना दी पहली सोच ए सी कि बालक गोविंद नूं जिस समय दा सामना करन लई तैयार कीता जा रहा सी, हुण ओ समा आ गया है। इस तो बाद वो पूरे विच चले गए, जिथे उन्होंने अकाल पुरख के चरणा विच अरदास करके कुर्बानी देन लई आशीर्वाद दी मंग कीती। गुरु तेग बहादुर जी ने भाई दयाला, भाई मतीदास, भाई सतीदास वर्गे आज्ञाकारी सिखां नूं नाल लै के आनंदपुर छड़ दिता अते सारे पंजाब दी यात्रा कीती। जदों ओ आगरा पुज्जे तां मुगलां ने उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके गुरु जी नूं दिल्ली लियांदा गया अते उन्हां नूं पिंजरे विच बंद कर दिता गया। जालम हाकमां ने उन्हां दे साथियां नूं शरीरक कष्ट देने शुरू कर दिते, पर गुरु जी ने फौलादी इच्छा शक्ति दा सबूत दिंदिया होया एहसास करवा दिता कि जुल्म ते जबर नाल लोकां दे विश्वास नूं जित्या नहीं जा सकता। जालम हाकम जद गुरु साहिब नूं अपना धर्म त्यागन लई तैयार करन विच असफल हो गए तां 11 नवंबर 1675 नूं लोकां दी भीड़ दे सामने इस थां ते उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। जिस समय गुरु जी दा सीस धड़ नालों वख कीता गया, उस समय दिल्ली विच जबरदस्त हनेरी आ गई, जिस करके कुछ भी विखाई देना बंद हो गया ते चारे पासे घबराहट फैल गई। शाही हुकम सी कि गुरु जी दे शरीर नूं कोई भी ना छोए। फिर भी एक सिख अग्गे वध्या ते उसने डिग्गा सीस चुक के अपनी शाल विच लपेट लिया अते तेजी नाल निकल गया। ओ रंगरेटा पाई जैता सी। उसे समय ही एक होर सिख रायसिना पिंड दा वासी ते कपाह दा व्यापारी भाई लखी शाह वंजारा उत्थे आया ते उसने गुरु जी दा ताड़ चुक के कपाह भरी बैल गड्डी विच रख लिया ते उस दा बैल गड्डियां दा कारवां बिजली दी तेजी नाल उत्थों निकल गया। शहीद आत्मा नूं पूरा सन्मान दे के ठीक ढंग नाल संस्कार करन दा समां नहीं सी। लखी शाह ने धड़ नूं अपनी झुग्गी विच रखिया अते मुगल फौजां दे गुरु साहब दे गुम होए शरीर दी भाल लई निकलन तो पहला पहला ही समान समेत झुग्गी नूं अग ला दित्ती। लखी शाह वंजारे ने
जिथे गुरु जी दे धड़ दा संस्कार कीता सी उस थां ते अजकल शानदार गुरद्वारा रकाबगंज साहब स्थापित है। यह स्थान लोकां दे मान सम्मान दी रख्या लई गुरु जी वल्लों दित्ती गई कुर्बानी दी गुआई दिंदा है। लोकी उन्हां नूं शरदा नाल हिंद दी चादर दे नां नाल याद करदे हन। अते जिस थां ते उन्हां दी शहादत हुई सी उत्थे पुरानी दिल्ली दे चांदनी चौक विच एक होर यादगार स्थापित है जिसनूं गुरुद्वारा सीसगंज साहब आख्या जांदा है। भाई जैता नूं गुरु जी दा सीस लै के किरतपुर पुज्जण विच दो दिन लगे। शहर तों बाहर बालक गोबिंद राय ने गुरु तेग बहादुर जी दे सीस दा बड़े सत्कार नाल स्वागत कीता। उस थां ते यादगार वजों गुरद्वारा बिबानगढ़ साहब स्थापित है। सिख भाई जैता नूं बाल गुरु ने रंगरेटा गुरु का बेटा आख के अपनी गलव कड़ी विच लै लिया। सीस नू आनंदपुर साहब ले आके पूरे सम्मान ते रीतियां नाल अंतम संस्कार कीता गया। इस थां ते गुरुद्वारा सीसगंज साहब सुभायमान है। आनंदपुर साहब दे इस थां ते जो दमदमा साहब दे नां नाल जानिया जांदा है विखे परंपरा अनुसार एक सादी जही रस्म करके केवल 9 वरियां दे बालक नू एक नारियल अते 5 पैसे पेंट करके 10वें गुरु वजों जिम्मेदारियां सौंपियां गईयां। गुरु तेग बहादुर जी दे सीस दा अंतिम संस्कार करन तो बाद बाल गुरु ने इस स्थान ते संगतां दे पारी इकट्ठ नूं संबोधन करदियां होयां बड़ी दृढ़ता नाल प्रेरणा दित्ती कि ओ हौसला ना छड्डन। इस स्थान ते जो अकाल बुंगे देवा नाल जानी जांदी है संगत दे इकट्ठ दे सामने बड़ी दृढ़ता नाल वलवले परे विचार प्रगट करदियां उन्होंने संगतां दे दिलां ते छाया हनेरा दूर कीता। पिता गुरु दी शहादत तों बाद उन्हां दे दिल विच नवां जोश पैदा होया अते उन्होंने लोकां नूं हाकमां दे जुलम ते बेइंसाफी दे चुंगल विचों आजाद करवाण दा फैसला कर लिया। पर उन्हां दे बाल मोढ़ियां ते भारी जिम्मेदारी सी अते उस समय तों उन्होंने अपने लोकां नूं अजित अगवाई देन लई अपने आप नूं तैयार करना शुरू कर दिता। उन्होंने अपने आप नूं तीरंदाजी घुड़सवारी तलवारबाजी अते वीरता दीयां कलावां विच निपुण करन वास्ते सख्त मेहनत कीती अते इस दे नाल ही वख-वख भाषावां दा डूंघा अध्ययन कीता। Later on, माता जी अते दादी जी दे बहुत जोर देन ते ओ व्याह लई मन गए। लाहौर दे हरजस समुखिया दी पुत्री जीत कौर नाल उन्हां दा व्याह होना निश्चित हो गया पर मुगलां दे चल रहे दौर कारण बरात उत्थे जा नहीं सी सकती। इस लई लड़की दे परिवार अते रिश्तेदारां नूं आनंदपुर आण दा सद्दा दित्ता गया। उत्थों 11 किलोमीटर दूर एक तंबूआं दा शहर वसाया गया जो गुरु का लाहौर दे नां नाल जानिया जान लगा जिवें के असीं इत्थे वेख रहे हां। इह सेहरा साहब है जिथे गुरु जी दे सीस ते सेहरा सजाया गया। इत्थों 1 किलोमीटर दूर दुल्हन दे डेरे लई सज तज के बरात रवाना हुई। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1677 ਦੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮੀਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ
सजे हुए कोले हाथी अते वधिया पोशाकां विच बरातियां नाल इवें जाप रहा सी जिवें किसे बादशाह दा जलूस होवे। ब्याह दे शानदार जश्ना ने लोकां नूं बन रख्या सी, पर इना जश्ना ने पहाड़ी राजियां दे दिल विच ईरखा दी अग बाल दित्ती, क्योंकि ओ अजेहे किसे भी प्रदर्शन दा मुकाबला नहीं सी कर सकते। इस शुभ अवसर ते नवे व्याहे जोड़े लई शुभ चिंतक कई बहुमूल्य पेंटा लेके आए। काबुल दे एक सिख दुनी चंद ने बहुत ही उत्तम अते अदुती तंबू पेंट कीता। उस दे नाल दा होर कोई तंबू नहीं सी। उस समय इस दा मुल कई लख रुपए सी। असाम दा राजा भी एक अनोखी पेंट लेके आया सी। ए पेंट प्रशादी नां दा एक सफेद हाथी सी। ए बहुत ही चतर अते शरदालु जावर सी, जो अपने अद्भुत करतबा नाल सारियां दा जी परचांदा सी। हाथी गुरु जी दे चरण धोंदा अते उना दे गले विच फुल्लां दे हार पांदा सी। गुरु जी दी कृष्माई शख्सियत, विद्वता, मनुखी प्यार दी भावना अते प्रभावशाली शैली ने छेती ही अनगिनत सिखां अते प्रशंसकां दे दिल जीत लए। लोकी उना लई बहुमूल्य पेंटा लेके आंदे, पर गुरु जी उना नू अजईयां पेंटा लियान तों मना करदे। उना ने ऐलान कीता कि ओ केवल कोड़े अते हथियार ही लेके आण। गुरु जी उना नू उना दे शरदा दे बदले विच यादगारी चिन्ह तोहफे दे रूप विच देंदे। अजेहा ही एक तोहफा रावल पिंडी दे नेड़े दे पिंड तमियाल दे पूरी परिवार नू दिता। गुरु जी दियां पैरां दियां जुतियां अते माता सुंदरी जी दियां जुतियां जो जोड़ा साहब विच रखियां गईयां सन, हुण हिंदुस्तान विच रह रहे पूरी परिवार दी औलाद पास सुरक्षित हन। कहलूर दा राजा भीम चंद गुरु जी नाल बहुत ईरखा करदा सी। आनंदपुर उस दे राज विच सी। ओ गुरु जी दे वधदे सत्कार अते उना दे सिखां दी वध रही गिनती नूं वी सह नहीं सी सकदा। उसने गुरु जी पासों लगान दी मंग कीती, जो गुरु जी ने ए आख के देन तो इनकार कर दिता कि उना दे पिता जी ने ए जमीन राजा दी माता पासों मुल लई सी। फिर राजा भीमचंद ने अपने पुत्र दे व्याह लई वर्तन वास्ते सुंदर तंबू अते हाथी दी मंग कीती। गुरु जी ने ए आख के उस दी एस मंग नू रद्द कर दिता कि ए दोवें संगत दे हन। इस पिछों उसने गुरु जी नू सबक सिखाण लई फौज भेजी। गुरु जी दे सिखां ने उन्हां नू आनंदपुर तों बाहर खदेड़ दिता। इस हार तों बाद कहलूर दे राजे ने गुरु जी ते कोई सिद्धा हमला ना कीता, पर छोटियां मोटियां चड़पां लगातार हुंदियां रहियां। दूजे पासे वध तों वध सिख आनंदपुर विखे गुरु जी दी शरण विच आउंदे गए। इस गल ने राजा भीमचंद नू बहुत गुस्से विच लै आंदा अते भीमचंद ते गुरु जी विचकार बहुत ही तनाव पैदा हो गया। गुरु जी दे शरदालुआं विच्चों एक सिरमौर दे राजा मेदनी प्रकाश ने स्थिति नू संभालन लई गुरु जी नू बेनती कीती। प्रोहित जी, आप जाइए और गुरु महाराज से विनती कीजिए कि वे नाहन पधारे और हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, यह हमारा सौभाग्य होगा। जैसी आज्ञा हो महाराज। सो गुरु जी अपने परिवार अते 500 सिखां दे नाल 14 अप्रैल 1684 नू पहाड़ी राज सिरमौर दी राजधानी नाहन विखे पुज गए। राजा मेदनी प्रकाश ने उना दा निम्रता अते शाही टांग नाल स्वागत कीता। उसने गुरु जी अते उना दे परिवार लई अपने महल नू साफ करवा के बहुत ही शानदार टांग नाल सजाया, पर गुरु जी ने आराम नाल भरपूर महल विच ठहरन नालों खुले आकाश हेठ ठहरना वधेरे पसंद कीता। जिस थां ते गुरु जी लई तंबू लाया गया उत्थे गुरुद्वारा दसवीं पातशाही दा निर्माण कीता गया।
राजे दी मेहमान नवाजी बहुत चंगी सी, पर गुरु जी महसूस करते सन कि शहर तो बाहर शांत वातावरण विच ठहरना ज्यादा ठीक है। राजा मेदनी प्रकाश ने बहुत ही खुशी नाल गुरु जी नू आख्या कि ओ अपना डेरा लान लई जेड़ी मर्जी जगह पसंद कर लैन। उन्होंने जमुना नदी के किनारे प्यारी जगह पसंद कर ली। पौंटा दे शांत अते साफ वातावरण ने गुरु जी दे कवि हिरदे नू मोह लिया। उन्हां दिनां विच ए इलाका जंगलां अते जंगली जानवरां नाल भरिया पिया सी। इस वास्ते गुरु जी ने सुरक्षा नू मुख रखदिया होया एक छोटा किला बनवाया, जिस दी नींह 6 अगस्त 1684 ईस्वी नू रखी गई। इत्थे रहंदे होया उन्हां दी प्रतिभा फली फुली अते उन्हां दी सरपरस्ती अते उदारता ने हिंदुस्तान दियां कई चंगियां प्रतिभावां नू पौंटा साहब वल खिंचिया। छेती ही उन्हां दे दरबार विच 52 कवि विद्वान पुज गए। गुरु जी इस थां ते बैठदे सन जो कवि दरबार दे नां नाल जाणिया जांदा सी, जिथे प्रसिद्ध कवि कवितावां सुणांदे सन। नौ सात तिए नौ सात किए नौ सात पिए नौ सात पियाए नौ सात रचे नौ सात बदे नौ सात पिया पैदायक पाए जीत कला नौ सातन की नौ सात। चंदन, भाई नंदलाल गोया, सेनापति वर्गे होर कई कवि पौंटा विच गुरु जी दे दरबार दे चोणवे हीरे सन। मरे जल के परसे कब हूं ना मरे पर पावक पाए हाथी मरे मद के परसे कब हूं ना मरे तन ताप के आए तिया मरे पिया के परसे कब हूं ना मरे परदेश सिधाए गूढ़ में बात कई दिजराज विचार सके ना बिना चित लाए। गुरु जी आप अपने गिर्द प्रभु दी होंद सिरजन वाले सुंदर कल्पनावां अते संवेदनशीलता नाल भरपूर अदुती कवि सन। इत्थे उन्होंने बहुत सारिया चंगिया रचनावां दी रचना कीती जो दसम ग्रंथ विच संपादित कीतियां गईयां। उन्हां दे शब्द भगती भावना नाल भरपूर हन जो हर एक दी आत्मा नूं झंझोड़ दिंदे हन। अपर अपारा तुम्हारी महिमा अपर अपारा जा के लहियो ना किन्हु पारा जा के लहियो ना किन्हु पारा तुम्हारी महिमा अपर अपारा तुम्हारी उन्हां दियां अनगिनत पीर रस दियां रचनावां हन जिन्हां विच शक्ति दी उस्तूत कीती गई है। जिन्हां रचनावां विच उन्हां ने कविता दे कई अदुती ते कठन मापदंडां दी वरतों कीती है। काल तुही काली तुही तुही तेग अर तीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खगखंड बिहंडंग खलदल खंडंग अतरण मंडंग वर पंडंग भुजदंड अखंडंग तेज प्रचंडंग ज्योत अमंडंग भान प्रभंग सुख संता करनंग दुर्मत दरनंग किल विक हरनंग असरनंग
जय जय जग कारण सृष्ट उबारण मम प्रत पारण जय ते गंग। औरंगजेब ने 1670 विच सारे हिंदुस्तान विच संगीत ते पाबंदी ला दित्ती। इस लई संगीतकार गुरु जी दी सरप्रस्ती प्राप्त करन लई पौंटा साहब वल चल पए, जिथे भगती संगीत नू सन्मान दिता जा रहा सी। अज वांग ही पौंटा विखे गुरु जी दे दीवान दा संगीत एक जरूरी हिस्सा सी। पौंटा दे आसपास दा निश्चिंत वातावरण अते संघने जंगल उन्हां नूं शिकार खेडण लई उत्साहित करदे सन। इत्थों दा जंगली जीवन प्राकृतिक साधना नाल भरपूर सी। अजेहे ही एक अवसर ते एक खूंखार शेर झाड़ियां विचों उन्हां ते कुद पिया। गुरु जी एकदम कोड़े तो छाल मार के वीर आसन विच बैठ गए। शेर नू अपनी टाल ते रोक के तलवार नाल ओदा सफाया कर दिता। एक घटना इस दरखत दे हेठा वापरी सी। गुरद्वारा शेरगा इस घटना दी ढुकवीं यादगार है। ये दस्तार स्थान है जिथे गुरु जी बच्चों कट्ठिया करके उन्होंने दस्तार सजाने लई उत्साहित करते सन। वो लगातार दस्तार सजाने दे मुकाबले करवाते सन। जो छेती ते वधिया दस्तार सजांदा सी उसनू वो 101 रुपया इनाम देंदे सन। सिर दे दस्तार नू महत्ता ते सत्कार दिता जाना हिंदुस्तान दियां प्राचीन परंपरावां दा एक खास हिस्सा सी जिसनू गुरु जी ने उत्साहित किया। अफसोस की गल है कि आज सिखां अते पेंडू इलाकियां नू छड़ के सारियां ने इस दी महत्ता नू कटा दिता है। गुरु जी दे अपने सिखां नाल प्यार अते लगाव ने वध तों वध सिखां नू पौंटा साहब पुज्जन लई उत्साहित कीता। गुरु साहब दी शख्सियत विराट रूप विच सी जो कि एक महानायक दी तरह निखरी। जदों के गुरु साहब अजे मसां 20 वर्यां दे वी नहीं सन, गुरु जी एक उच्च कोटि दे कवि शस्त्र विद्या विच मार अते कई प्राचीन भाषावां दे ज्ञाता सन। ए सब तों अलावा उन्हां नूं कुदरत नाल वी खासा प्यार सी। पौंटा साहब उस दी सुंदरता अते शांत वातावरण ने उन्हां नूं बहुत प्रभावित कीता। इसे लई उन्हां ने उत्थे कुछ समा रहण दा फैसला कीता। राजा मेदनी प्रकाश बहुत ही खुश होया। दूजा कहलूर दा राजा बहुत ईरखालू सी। गुरु जी दे वध रहे प्रभाव ते ताकत तों ओ भयभीत सी। उसने दूसरे पहाड़ी राजियां नूं उकसाया कि ओ मिल के गुरु जी दे इस खतरे नूं हमेशा लई खत्म कर देन। गुरु जी नूं इस साजिश दा पता लगा तां उन्हां ने सुरक्षा नूं मुख रखदियां होया 500 पठान फौजियां नूं नौकर रख लिया। जदों सब कुछ शांत विखाई दे रहा सी, पहाड़ी राजियां ने चुपचाप इधरों गुरु जी ते हमला करन दी योजना बनाई। गुरु जी दे नौकर रखे पठाना ने जदों ए सुनिया तां ओ एन आखरी समय गुरु जी दा साथ छड़ के दुश्मन नाल जा मिले।
सडौरे दे नेड़े रहंदे सूफी फकीर पीर बुद्धू शाह जिसने सिफारिश करके पठाना नूं गुरु जी दी सेवा विच रखिया सी नूं उहना दे दुश्मन नाल जा मिलन दी खबर मिली तां ओह अपने पुत्रां भरावां अते 700 मुसलमानां नाल गुरु जी दी मदद लई भज्या आया। गुरु जी ने उस दी श्रद्धा अते वफादारी दा बहुत ही सत्कार कीता। ओ सिखां दे नाल मिलके बहादुरी नाल लड़िया। उस दे दो पुत्तर ते कई साथी पंगाणी दी लड़ाई विच शहीद हो गए। उसने इस ते कोई दुख नहीं जताया। ए ता मेरी जिम्मेदारी सी। मेरी अरदास केवल एही है कि तुसी ठीक रहो। अल्लाह सूरज दियां किरणां वांग तुहाडा नां अते कीर्ति सारे संसार विच फैले। आम तौर ते संसार ए समझदा है कि गुरु केवल अध्यात्मक मार्गदर्शक हुंदे हन, पर गुरु गोबिंद सिंह जी दे मामले विच संसार उन्हां नूं संत सिपाही दे रूप विच वी जानदा है। उन्हां ने जुल्म अते बेइंसाफी दे विरुद्ध 14 युद्ध कीते ते ज्यादातर जीते। पंगाणी दा युद्ध इतिहासिक युद्ध सी जो गुरु जी वल्लों लड़िया गया। पहला युद्ध सी जिस विच उन्हां ने अदुती सैनिक प्रतिभा अते योग आगू होण दा प्रदर्शन कीता। ए अचरज कमाल दी गल सी। ओ उस समय केवल 21 सालां दे नौजवान सन। ए पौंटा साहब तों 11 किलोमीटर उत्तर वल पंगाणी है जिथे हुण यादगार दे रूप विच गुरुद्वारा स्थापित है। उत्थे किसे समय गुरु जी सैनिक अभ्यास करवाया करते सन। इत्थे सज्जे पासे पदरे मैदान अते जमुना दरिया दे विचकार नीवा ढलान दा इलाका है। इस रस्ते नूं दुश्मन ने अचानक हमला करन लई चुनिया सी, पर गुरु जी नूं अपने गुप्तचरां पासों पता लग गया कि भारी फौजी टुकड़ियां अग्गे वध रहियां हन। उन्हां ने हमलावरां नूं रस्ते विच ही रोकण दा फैसला कर लिया। गुरु जी ने इस दरखत दे हेठां उच्ची जही थां नूं अपनी फौज दी कमान करन लई चुनिया। ए दरखत अजे तक इत्थे खड़ा है। इस थां तों गुरु जी ने इलाके दा निरीक्षण कीता अते दुश्मन दा रस्ता रोकन लई अपने सैनिकां नूं सज्जे पासे तैनात कीता। कुछ सैनिकां नूं तीर कमानां ते बरछियां नाल लैस करके उस उच्ची थां ते तैनात कर दिता। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट तां नहीं, पर यह गल पक्की तरह मन्नी जांदी है कि गुरु जी दे एक बनारस वासी सिख राम सिंह नामी कारीगर ने पत्थर दे गोले सुरण लई दो यंत्र तैयार कीते। फिर गुरु जी ने पूरी तरह कमान संभाली ते मुकाबला शुरू हो गया। जिस समय दुश्मन इस रण खेतर विच पुज्जा ते आसमान टुट पिया। गुरु जी दी फौज ने दुश्मन नूं इस रस्ते तों रोक लिया। तीलियां तों पत्थरां दे गोले गिरने शुरू हो गए अते गुरु जी दे तीरां दी बारिश ने तबाही मचा दित्ती। हुण उस थां ते गुरुद्वारा तीरगेड़ी साहिब स्थित है। बेशक ए एक याद रखण वाला युद्ध सी। केवल 2000 दी भीड़ ने 20,000 सिखियत सैनिकां दा मुकाबला करके उन्हां नूं हराया। ओह वी तरखाण गडरिये आदि अजिहे लोक सन जिन्हां ने अपने जीवन विच कदी लड़ाई नहीं सी लड़ी। ओह पंगाणी दे इन्हां मैदानां विच शेरां वांग लड़े। गुरु जी दी अगवाई अते प्रेरणा ने उन्हां दे सिखां विच अजिहा उत्साह भरिया कि उन्हां दे मौत नूं वंगारन वाले जोश नाल कीते हमले ने दुश्मन दे पैर उखाड़ दिते। सचमुच गुरु जी ने अपनियां चिड़ियां नूं बाज बना दिता सी।
पंगाणी दी जितने गुरु जी दे सिखां दी बहादुरी दा सिक्का जमाया ते उना दी चर्चे घर घर होण लगे। सिखां दी बहादुरी दे किस्से सुन के अनेकां लोकी गुरु जी वल खिचे चले आए। गुरु जी ने उना दा स्वागत कीता ते उना नू दया धर्म अते मनुखी भाईचारे दी नवे राह ते चलन दी प्रेरणा कीती। पौंटा साहब गुरु जी लई बहुत भागशाली रहा। माता सुंदरी जी ने 9 दिसंबर 1687 नूं साहिबजादा अजीत सिंह नूं जन्म दिता। जन्म स्थान ते गुरुद्वारा पौंटा साहब दे रूप विच एक यादगार कायम कीती गई। गुरु जी अपने श्रद्धालु ते खातरदारी दा बहुता पार नहीं सी पाना चाहते, इसलिए ओ 3 साल का खुशी भरिया समा बिता के आनंदपुर साहब मुड़ आए। इस समय पहाड़ी राजिया ने महसूस किया कि उन्होंने गुरु जी ते हमला करके गलती की सी। उन्होंने गुरु जी पासों अपने किते गुनाह की माफी मंगी। गुरु जी ने उन्होंने माफ कर दिता ते उन्होंने जालम हाकमा विरुद्ध एक मुठ होने वास्ते उत्साहित किया। उन्होंने दिनों विच ही पहाड़ी राजिया पासों बादशाह लई खिराज इकट्ठा करने वास्ते मुगल फौज पहाड़ा ते आ गई। पहाड़ी राजिया ने खिराज देने तो इनकार कर दिता। राजिया ने लड़न का फैसला कर लिया ते गुरु जी पासों मदद मंगी। गुरु जी ने उन्होंने मदद भी दिती ते अपनी फौज की अगवाई करने लई उन्होंने नाल शामिल हो गए। राजिया विच आत्म विश्वास जाग पिया। ती मार्च 1690 नूं नादौण दी थां ते भारी लड़ाई हुई जिस विच सांझियां फौजां दी जित हुई। इस हार की खबर जब आगरे विच मुगल दरबार विच पुजी तां मुगल हाकम बहुत गुस्से विच आ गए। उन्होंने पहाड़ी राजियां पासों खिराज वसूलन अते गुरु जी नूं हर हालत विच कुचल देन लई जनरल हुसैनी की अगवाई विच भारी फौज भेजी। जब पहाड़ी राजियां ने ताकतवर फौजां अपने सामने वेखियां तां उह डर के दौड़ गए, पर गुलेर दे राजा गोपाल ने जनरल हुसैनी नूं वंगारिया। इस दे नाल ही राजे ने तुरंत सहायता लई गुरु जी नूं सुनेहा भेजिया। गुरु जी ने चाटी बहादुर सिखां नूं उसदी सहायता लई भेज दिता। जनरल हुसैनी अते कुछ पहाड़ी राजे लड़ाई विच मारे गए। गुरु जी की फौज ने भारी जित प्राप्त की। गुरु जी अते उना दे सिखां दी बहादुरी दी कीर्ति चारे पासे फैल गई। लोकी गुरु जी नूं सच्चा पातशाह सदन लगे। बादशाह बड़ा लोहा लाखा होया। उसने लोकां दे कठिया होण ते पाबंदी दे नाल ही होर कई पाबंदियां ला दित्तियां। किसी भी समय अचानक हमला होण दे खतरे नूं महसूस करदिआं गुरु जी ने इलाके विच तारागढ़, फतेहगढ़, होलगढ़ अते छोटे छोटे किले बना के मोर्चाबंदी कर लई। जल्लाद हुकूमत आनंदपुर उत्ते लगातार हमले करते रहे। 1690 तो सन 1698 ईस्वी तक का समा बहुत उथल पुथल वाला सी। बादशाह औरंगजेब ने अपने वड्डे शहजादे मुअज्जम नूं गुरु जी नाल तुरंत नजिठण का हुक्म दे दिता। शहजादे का एक वेले का वजीर भाई नंद लाल गुरु जी का बहुत श्रद्धालु सी। उन्हें गुरु जी के गुणा के बारे में शहजादे नूं निश्चा करवा दिता कि जे उन्हां नूं छेड़िया ना जाए तो वह उस दे लई खतरा नहीं बनणगे। शहजादा मुअज्जम आप अध्यात्मिकता विच विश्वास रखण वाला अते सारियां धर्मां दा आदर करण वाला व्यक्ति सी। उसने भाई नंद लाल दे सुझा ते अमल कीता। इस लई उत्थे शांति तां कायम रही पर थोड़े समय लई ही। औरंगजेब होर ही सुभा दा सी। ओ लोकां दी चढ़त नूं बर्दाश्त ना कर सकिया अते उस दा जुल्म जारी रहा। ओ
उस वक्त समाज बड़ी तरस योग हालत विच सी। गुरु साहब चाहते सन कि उस पीड़ित समाज नू गुलामी दे बंधना तो जातां दे घट घरे विचों अते झूठे वहमां तो मुक्ति दवाई जाए अते ए सब कुछ लई एक नवी क्रांति एक नवा रुख अपनाना पवेगा। उन्होंने सोचिया कि लोकां दे दिलां विच देश भगती दी भावना नू सुरजित करना चाहिदा है, लोकां दे दिलां विच देश दे प्रति श्रद्धा पार देनी चाहिदी है। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रवाद लई एकता जरूरी है अते समाज विचला जातिवाद एकता दे रस्ते विच सब तो वड्डी रुकावट है। लोकां दे दुख गुरु जी लई असाई सन। उन्होंने अपमानत ते मनोबल गुआ चुके लोकां नू कठिया करन दे बारे गंभीरता नाल विचार किया। वो एक शेर दिल जाति दी सर्जना करना चाहते सन जो धर्म अते मातृ भूमि दी रक्षा लई सब कुछ कुर्बान करन लई तैयार होवे। इसलिए गुरु जी ने दबे कुचले लोकां दे दिलां विच हिम्मत अते दलेरी दी भावना पैदा करन दा फैसला कीता। बेशक ओ समा संताप अते शर्म नाल भरपूर सी, कुछ करन दी लोड़ सी ते लोकां नू गुलामी तो मुक्ति दवाण दी जरूरत सी। अखीर मुक्ति दा दिन आ गया। 1699 दी वसाखी अलौकिक सी पर आनंदपुर साहब लई अनूठा दिन सी। गुरु जी ने हिंदुस्तान पर विच अपने सिखां नू आनंदपुर पुज्जन लई हुकमनामा भेजिया। हजारां सिख इस खुले थां ते कट्ठे होए जिथे एक तंबू लाया गया सी। विशाल कठ नू गुरु जी ने जल्दी ही दर्शन दिते ते जी आया आख्या। उन्होंने म्यान विचों तलवार कड्डी ते गरज भी आवाज विच आख्या, अज तुहाडे पासों एक सिर दी मंग करता हां। मेरी कृपान प्यासी है कि कोई अपने गुरु वल्लों कीती गई मंग नू पूरियां करन लई अपना सिर दे सकदा है। अपने प्यार ते सत्कार योग गुरु जी पासों ए मंग सुन के संगतां डोर पोर हो गईयां। कोई भी अग्गे ना वधिया। गुरु जी ने गरज के धर्म अते मातृ भूमि लई एक सिर दा बलिदान करन दी मंग फिर दोहराई। फिर लाहौर वासी एक खत्री दया राम अपना सिर भेंट करन लई वध्या। गुरु जी प्रसन्न होए ते उस नूं तंबू दे अंदर लै गए। संगतां ने कृपान चलन ते तड़म करके डिगण दी आवाज सुनी। फिर उन्होंने तंबू तो बाहर वगदा खून वेख्या। गुरु जी खून नाल रिसदी कृपान लैके बाहर आए। उन्होंने ओही मंग फिर दोहराई। एक होर बहादुर सिख उठिया, ओ हस्तिनापुर दा जाट धर्मचंद सी। गुरु जी उस नूं भी अंदर लै गए अते फिर तंबू तो बाहर वगदा खून वेख्या गया। गुरु जी खून नाल लथपथ कृपान लैके फिर प्रगट होए ते उन्होंने अपने प्रति विश्वास अते मौत दा डर ना होण दे सबूत दे रूप विच सिखां पासों तीन वार होर सिरां दी मंग कीती। द्वारका दा छीबा मोकम चंद, पुरी दा चीवर हिम्मत राय अते बिदर दा नाई साहिब चंद वारम वारी पहले दोहां वांग अग्गे वधे। पंजवीं कुर्बानी तो बाद जद गुरु जी बाहर आए ता उन्हां दे मुख ते चमक सी। जल्दी ही अपना सीस पेंट करन लई आए पंजे ही सिख उन्हां दे कोल आ गए। गुरु जी ने संगतां नूं दस्या कि ए एक प्रीख्या सी, ए जानन लई कि उन्हां दे सिखां विच धर्म अते मातृ भूमि लई अपनियां जानां कुर्बान करन दी भावना है जां नहीं। ओ जिन्हां ने कुर्बानी करन दी दलेरी वखाई गुरु जी दे पंज प्यारे अखवाए। गुरु जी ने उन्हां पंजां प्यारियां नूं आखिया कि ओ समानता दे भाईचारे विच शामिल होण। उन्हां ने जल भरिया एक बाटा लिया, अपना दो तारा खांडा उस विच फेरिया। इसे दौरान माता साहिब देवां जी कुछ पतासे लैके दरबार विच आए। ओ उन्होंने बाटे विच पा दिते। गुरु जी ने दसिया कि दो तारा खांडा सिखां विच वीरता दा संचार करेगा अते पतासियां दी मिठास
उन्हां दे दिल विच दयालता दी भावना भरेगी। ये समारोह बाहुल अखवाया अते त्यार वस्त अमृत अखवाई। गुरु जी ने वारों वारी पंजा नू अमृत छकाया। इस तरह ओ अमृत छक के नवे धर्म विच शामिल हो गए। गुरु जी ने उन्हां नू संबोधन कीता, ओ जो ए अमृत छकणगे मेरे शेर मेरे सिंह बन जाणगे। हुण तो तुसी दया सिंह, मोकम सिंह, धर्म सिंह, साहब सिंह अते हिम्मत सिंह अखवाओगे। गुरु जी ने उन्हां नू जुल्म दे विरुद्ध लड़न, दीन दुखियां दी रक्षा करन, ईमानदारी नाल विचरन अते वंड के छकण दा उपदेश दे के शेर दे रूप विच स्थापित कीता। उन्हां नू निडर बनन ते किसे पासों कोई चीज ना मंगण दी प्रेरणा भी कीती। प्यारे बनो, पांच कक्का धारण करो। इस तरह उन्होंने आनंदपुर साहब विखे एक प्रभावशाली समागम विच एक नवे पंथ दी नींह रखी। गुरु जी अपने पांच प्यारियां दे सामने खलोते उना पासों अमृत दी दात दी मांग कर रहे हैं। उना ने पंजा प्यारियां नू सांझे रूप विच गुरु वंजो स्वीकार कीता। गुरु जी ने अपने आप नू सिख दे रूप विच बदलिया। वीर आसन होके पंजा प्यारियां पासों अमृत दी दात प्राप्त कीती। इस तरह उन्होंने साधारण आदमी नू उच्चा चुकिया अते पंजा प्यारियां नू सांझे रूप विच ताकत बख्शी। अते ओ पल जदों उन्होंने अमृत दा गौरवमय कुट भरिया, गुरु गोबिंद राय तो गुरु गोबिंद सिंह सिंह बन गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद राय दा नवा रूप श्री गुरु गोबिंद सिंह इतिहास विच बड़ी महत्वपूर्ण घटना सी। वो एक अहजे विचारक सन जिन्हां दी नज़र समय तो बहुत अगे वेख रही सी। वो भारतीय समाज विच बड़ियां क्रांतिकारी तब्दीलियां लियाना चाहते सन। तुहानूं विश्वास नहीं होगा कि 300 साल पहले उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण समतरां लिखियां सन, जिदों विचों एक महात्मा गांधी ने रोज अपनी प्रार्थना च शामिल किया होया सी। तुसी सारे उहदे बारे जानदे हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मंदिर मस्जिद तेरो धाम, सबको सम्मति दे भगवान। उस महान पुरुख की दूर दृष्टि दी तुसी कल्पना करो जिसने सारे देशवासियां नू मनुख जाति अते सारे धर्मां दा आदर करन दे नाल ही देश लई मर मिटन दी प्रेरणा दित्ती।
भगत जन श्रद्धा नाल गुरु जी नूं याद करते हैं। संगत अते श्रद्धालु दसवें गुरु जी नूं आनंदपुर के केशगढ़ गुरुद्वारे विखे श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं। ये सिख पंथ का एक मुख तख्त है। इत्थे ही इस थां ते खालसा की सरजना हुई सी। हर शाम नूं गुरु जी के शस्त्रां ते उन्हां दियां होर पवित्र निशानियां दे दर्शन करवाए जांदे हन। ये ओ खंडा है जिस नाल गुरु जी ने 1699 दी विसाखी ते अमृत तैयार किया सी। अते ये ओ कटार है जिस नूं ओ सदा धारण करदे सन। इन्हां शस्त्रां दे दर्शन हर एक नूं ए याद करवांदे हन कि जद तुसीं शस्त्र धारण करदे हो तां कुर्बानी लई भी तैयार रहो। ये सैफ है एक अरबी तलवार जो मक्के दे शरीफ वरतदे सन। ये उन्होंने औरंगजेब नूं भेंट कीती सी। बाद विच उस दे पुत्तर बहादुर शाह पहले ने गुरु जी नूं भेंट कर दिती क्योंकि उन्होंने ताजो तख्त लई उहदी मदद कीती सी। शस्त्र आदि काल दे क्षत्रियां दे आदर्श दे प्रतीक भी हन जिन्हां दा धर्म गरीबां ते मजबूरां दी रक्षा करना सी। गुरु जी अपने सिखां नूं तंदरुस्त रहण अते हौसले बुलंद रखण लई फौजी खेडां विच हिस्सा लैण लई प्रेरदे सन। सिखां दी वधदी फौज ते बहादुरी ने पहाड़ी राजियां दे दिल विच डर पैदा कर दिता कि गुरु जी उन्हां दे राज खो लैणगे। औरंगजेब भी खालसे दी वध रही ताकत तों भयभीत सी। उसने सरहंद दे सूबेदार नूं हुक्म दिता कि ओ गुरु जी नूं खत्म कर देवे। सिपा सलार सैयद खान नाल भारी फौज भेजी गई। पहाड़ी राजे भी गुरु जी अते उन्हां दे सिखां नूं अपने इलाके विचों कढ देण दा सुनहरी मौका जाण के उस दे नाल मिल गए। मुगलां दी भारी फौज दे सामने सिख बहुत घट सन, फिर भी उह गुरु जी दी अगवाई विच बहादुरी नाल लड़े। सैयद खान ने पंगाणी युद्ध दे नायक पीर बुद्धू शाह नाल ब्याही अपनी भैण कोलों गुरु जी बारे बहुत कुछ सुनिया होया सी। जदों उसने लड़ाई दे मैदान विच गुरु जी वल वेख्या तां उन्हां दा प्रताप ते नूर वेख के मुग्ध हो गया। पर उसने मुगल फौज दा जरनैल होण दा सच्चे सिपाही वर्गा फर्ज निभाया। उस बंदूक चुकी ते चलाई पर निशाना खुंझ गया। उसने फिर गोली चलाई, निशाना फिर खुंझ गया। ये बड़ी हैरानी दी गल सी, उहदा निशाना कदी नहीं सी खुंझिया। ये उस लई बहुत सी। उसने बंदूक सुट दिती, घोड़े तो उतर के गुरु जी वल वध्या, सत्कार नाल चुक के उन्हां नूं सलाम कीता, गुरु जी दियां अखां विच प्यार उमड़ाया अते उन्हां ने सैयद खान नूं अपने मुरीद वजों स्वीकार कर लिया। अपने चोटी दे जरनैल वल्लों समर्पण करदे नाल मुगल फौजां विच दहशत फैल गई। ये तो हद हो गई, हमारे से पैसालार भी बुजदिल निकले। अब तो इस बागी गुरु को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कश्मीर, सरहिंद और लाहौर के सूबेदारों को हुक्म दिया जाता है कि इस बागी गुरु को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इसलिए 100,000 तो वध फौज ने 1702 ईस्वी विच आनंदपुर ते भारी हमला कर दिता। पहाड़ी राजे भी उस नाल आ मिले।
गुरु जी दे थोड़े जे सिखां दे सामने ये भयानक हालात सी। गुरु जी ने इन्नी भारी फौज का मुकाबला करदिया होया दुश्मन तो सिखां अते परिवार की रक्षा करन लई आनंदगढ़ किले दे अंदर जाण दा फैसला किया। भारी फौज ते रसद जारी रहन दे बावजूद मुगल अगे वध नहीं सी पा रहे, इसलिए उन्हें चाल बदल दित्ती। उन्होंने आनंदपुर की शहरी आबादी नू घेर लिया ते गुरु जी दियां फौजां दी रसद कट दित्ती। इना रुके भयानक हमले हुंदे रहे, बार मुगल फौजां नू तां बराबर रसद अते फौजी सहायता मिलती रही, पर किले दे अंदर सिख फौजियां दी हालत बड़ी ही नाजक सी। भयानक लड़ाई जारी सी, घेरा भी जारी सी। एक साल बीत गया। ते खाने तो बिना भी गुरु जी ते उना दे सिख मुश्किलां दा सामना कर दे रहे। जानवर कोड़े मरन लगे, इथों तक कि प्रशादी हाथी भी मर गया। किले दे अंदर सिख निराश होन लगे, इथों तक कि कुछ ने किला छड़न दा फैसला कर लेता। गुरु जी ने उना नू ए बेदावा लिख के देन लई आख्या कि ओ उना दे सिख नहीं, फिर ओ जान लई आजाद हन, तां कुछ छड़ के चले गए। जदों दुश्मन नू पता लगा कि केरे विच सिखां दी दशा माड़ी हो गई है, तां उना सोचिया गुरु जी नाल अपनी मर्जी दा समझौता कर लड़ाई खत्म करन दा ए चंगा मौका है। ओ उना नू शहीद करन दी बजाए दोस्त बना के फड़ना चाहते सन। एक खत लिखो, हम आपकी आनंदपुर में रहने की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, लेकिन वहां अमन सुकून कायम करने के लिए हम ये चाहते हैं कि आप वो मकाम छोड़कर कहीं और जा बसें। हम आपको दिल से यकीन दिलाते हैं कि आपको कोई खतरा नहीं होगा। असल विच मुगल ते पहाड़ी राजे नहीं सी चांदे कि आनंदपुर सिखां दा आजाद राज बन जाए, इसलिए उना उपर दबाव बनाने लई औरंगजेब ने इस सारियां चालां चलियां। उना दूत भेजे, पवित्र कुरान दी कसम चुकी, पहाड़ी राजिया ने गौ माता दी सौं चुक के पुजारी भेजे, गुरु जी नूं भरोसा दवाया कि जे ओ आनंदपुर छड़ के चले जान तां उना नूं सुरक्षित जान दिता जाएगा। कुछ सिखां ने इस विच इक आस दी किरण वेखी ते इस नूं मन्नन लई गुरु जी नूं बेनती कीती कि इस मौके नूं हथों ना जान दिता जाए, पर गुरु जी ने आत्म समर्पण करन नालों मरन नूं तरजीह दित्ती। लंबे समय दी घेराबंदी ने किले विच बेचैनी, तकलीफां ते भुख दी नाजक हालत पैदा कर दित्ती। अते उस ते कब्जा जमाउण तां इक बहाना सी, आनंदपुर साहब तां गुरु घर दी ही मलकियत सी। आनंदपुर साहब दे घेरे दे वक्त झूठ, मक्कारी, बुजदली अते कुरान शरीफ ते हथ रख के झूठियां सौं खाण दा बड़ी बेशर्मी नाल मुगलां ते पहाड़ी राजिआं ने आसरा लिया। गुरु साहब ने बालक धर्म दी पाल पोसना करनी सी, ए काम सिर्फ गुरु साहिब ही कर सकदे सन। इस कठिन समें विच गुरु साहब ने माता गुजरी जी अते होर प्रवंत सिखां दी राय नूं मनदिआं होइआं वक्त दी पुकार, जो शहीदी नहीं गुरु साहिब दी मौजूदगी मंगदी सी, नूं सुणदिआं होइआं आनंदपुर साहिब नूं छड्डण दा इस लई फैसला कीता कि ओह होर लड़ाई लड़ सकण, होर आउण वाले दिनां विच लड़ सकण, अपने फलसफे नूं प्रचार सकण ते धर्म दी रक्षा कर सकण। तां उन्हां ने 20 दिसंबर 1704 नूं सिखां अते परिवार नाल किला छड्डन दी तैयारी कर ली।
सर्दी दी रुत दी वर्खा हो रही सी। जदों ओ बाहर निकले कड़ाके दी ठंड सी। गुरु जी ने मुड़ के प्यारे आनंदपुर वल वेखिया जिथे हुण उन्हां कदी नहीं मुड़ना सी। आनंदपुर छड़न तो पहला उन्हां बहुता समान साड़ दिता। सिर्फ कीमती समान किताबां उन्हां दे नाल सन। ज्यों ही गुरु जी दे किले विचों निकलन दा दुश्मन नूं पता लगा उसने उन्हां दा पिछा कीता। गुरु जी टोली दे नाल इत्थों लंघे तां सवेर हुंदी वेख के ओ इत्थे ठहर गए। गुरु जी दा नितनेम करन दा नेम सी। उस दिन भी सारे गुरु जी दे नाल आसा दी वार दा पाठ करन लगे। सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए। सच ता पर जानिए जार दे सच्चा होए। कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए। कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए। तन करे सारे वायदे अते कसमां पुला दित्तियां गईयां। दुश्मन ने कीर्तन कर रही संगत ते हमला कर दिता। तुरंत वड्डे साहबजादे अजीत सिंह अते कुछ बहादुर सिंघां ने हमले दा टाकरा कीता। खूनी लड़ाई हुई। भाई उदय सिंह मुखी पांच प्यारियां विच्चों तीन अते दर्जन भर सिख जिन्हां विच भाई जेता रंगरेटा भी सी शहीदी प्राप्त कर गए। ये प्यारी यादगार गुरुद्वारा परिवार विछोड़ सरसा दी लड़ाई अते गुरु जी दे परिवार दे विछड़न दी याद करवांदा है। हमलावरां तो दूर निकलन दी कोशिश विच सरसा नदी दे इस उत्तरी किनारे तो गुरु जी दा परिवार विछड़ गया। एक पासे तो गुरु जी दियां पत्नियां झाड़ियां ते जंगलां विचों हुंदियां होईयां दिल्ली पुज गईयां। दूजे पासे तो गुरु जी दे माता जी ते दो छोटे साहबजादे भी विछड़ गए जिन्हां नूं उन्हां दा रसोईया गंगू अपने पिंड खेड़ी लै गया। गुरु जी ते बाकी सिखां ने अपने घोड़े इत्थों तूफानी सिरसा विच ठेल दित्ते। इस हफड़ा दफड़ी विच गुरु जी दा समान जिस विच उन्हां दियां कीमती रचनावां भी सन सरसा नदी दे हड़ विच वग गया। पिछा कर दी मुगल फौज दा सामना कर दिया उना दे काफी सिख अते कोड़े मारे गए। गुरु जी दो वड़े साहबजादियां 40 सिखां अते 5 प्यारियां विचों बचे दो दे नाल किसे तरह दरिया पार करन विच सफल हो गए। ओ लोक रोपड़ राही चमकौर पुजे जिथे एक भगत बुद्धि चंद रहिंदा सी। पहाड़ी चोटी ते उसकी छोटी जी गढ़ी वर्गी हवेली सी। आजकल जिथे एक गुरुद्वारा गढ़ी साहब है। औरंगजेब दे हुकम नाल गुरु जी नूं किसे भी कीमत ते खत्म करन लई चौं पासियों मुगल फौज चमकौर वल वध रही सी। इस लई गुरु जी 40 सिखां दी छोटी जी फौज नाल इथे जम गए। छेती ही सूबेदार वजीर खान ने चोटी दे जरनैलां अते 2 लख फौजियां नाल चमकौर नूं सारे पासियों घेर लिया। भावें सरसा दी लड़ाई विच गुरु जी दे कई बहादुर शहीद हो गए सन अते हथियार नष्ट हो गए सन पर फिर भी उन्हां दा फौलादी हौसला बुलंद सी। गुरु जी दे अनुमान मुताबक उत्तर भारत विच हजे भी 8 लख होर भी मुगल फौज सी पर ओ उन्हां नूं एक सच्चे फौजी वांग अपने फौलादी इरादे ते दृढ़ रहण तो रोक नहीं सकी। मुगलां ने गढ़ी ते झट हमला कर दिता। गुरु जी अते उन्हां दे सिखां ने तीरां दी वरखा करके दुश्मन नूं तकड़ा जवाब दिता। बंदूकां दियां गोलियां अते तेज बरछियां दी वरखा ने दुश्मन नूं रोक दिता। फिर मुगलां ने घुड़सवार ते पैदल फौज दोहां नूं कठियां ही अगे वधाया। मुगल फौज दे इस हड़ नूं रोकण दा इक्को एक तरीका सी कि उन्हां ते ही हमला कीता जाए।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 22 ਦਸੰਬਰ 1704 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਸਦ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਲੜਨ ਲਈ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਟਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ। ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-5 ਸਿੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਂਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਉੱਬਲ ਪਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਸੂਰਬੀਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਵਾਂਗ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਏਕ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਟਾਏ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਚਮਕ ਹੈ ਮੇਹਰ ਕੀ ਚਮਕੌਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੋਂ ਮੇਂ।
ऐसी वीरता और कुर्बानी की असी कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चियां विच राष्ट्र धर्म की भावना कुट कुट के भरी हुई सी। ए शस्त्र दस दिन कि आत्म सम्मान उन्हां लोगों के जीवन का मूल मंत्र सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने दोनों पुत्रां की शहीदी अकाल पुरख की मर्जी समझ कर स्वीकार किया और अपनी जद्दोजहद होर भी मजबूती नाल जारी रखी। 22 दिसंबर 1704 नू रात हो जाण कारण लड़ाई रुक गई। मुगल फौज खा पी के आराम करन लगी। गुरु जी नाल उस वेले मुट्ठी भर सिख रह गए सन। उन्हां विच्चों 5 सिंघां ने गुरु जी नू इत्थों निकल जाण दा मता पकाया। उन्होंने हाथ जोड़ के गुरु जी नू आखिया कि तुसा सानू सिखाया है कि गुरु खालसा है अते खालसा गुरु है, इसलिए असी 5 गुरु खालसा दे रूप विच आदेश दिंदे हां कि तुसी इत्थों निकल जाओ। इस ते गुरु जी उस प्रस्ताव नू मनन लई मजबूर हो गए। ए ओ थां है जिथे उना 5 प्यारियां ने गुरु जी नू आदेश दिता सी। गुरमते नाल सहमत होण तो बिना उना सामने होर कोई रस्ता नहीं सी। बचे हुए सिखां विचों एक भाई संगत सिंह सी जिसका चेहरा गुरु जी नाल कुछ मिलदा सी, इसलिए उना एक दूजे दे कपड़े बदल लए ता जो ओ गुरु जी वर्गा विखाई दे सके। फिर अद्धी रात नूं गुरु जी इस राह तो हुंदे हुए 3 सिंघां नाल बाहर निकले। बाहर घुप हनेरा सी, सिर्फ ध्रुव तारे दे सहारे ही राह वेख सकते सी। ओ चुप चाप दरवाजे नूं पार करदे हुए हनेरे विच अग्गे वधे, पर गुरु जी दुश्मन नूं वगारे बिना नहीं जाना चाहते सी। जिवें कि मन्या जांदा है गुरु जी ने 3 वार तौड़ी वजाई, पर नींदर विच होण करके मुगल फौजियां नूं पता ना लगा कि तौड़ी दी आवाज किधरों आई है। गुरु जी मुगल कैंप विच्चों अपने साथियां नाल निकल गए, पर अग्गे चल के एक दूजे तो ओ विछड़ गए। इन्हां झाड़ियां विच उन्हां दी एक जुत्ती गवाच गई, उन्हां दूजी भी ला के सुट दित्ती। नंगे पैर ओ ध्रुव तारे दी सेध विच चलन लगे। उन्हां दे नंगे पैरां दियां तलियां विच्चों लहू वगन लगा, कपड़े फट गए। ठंडी हनेरी रात सी, आखर ओ माछी वाड़े दे नेड़े पुज गए। उत्थे एक खूह सी, ए ओही खूह है। उन्हां पानी कढ़िया ते नहा धो के सराणा बनाण लई एक टिंड चुक के इस खूह तों 50 गज दूर एक दरखत हेठ आ गए। उना दे विछड़े साथियां ने जदों उना नू लभ्या तां ओ इस दरखत दे हेठा आराम कर रहे सन। मित्र प्यारे नू, मित्र प्यारे नू, हाल मुरी दादा कहना मित्र प्यारे हाल मुरी दादा कहना मित्र प्यारे मित्र प्यारे इसे समय उन्हां दी माता जी अते साहिबजादियां नाल सरहंद विच दुखदाई घटना वापरी। सरहंद मुगल सल्तनत दा एक मुख शहर सी। सरसा नदी तों परिवार नाल विछड़े माता गुजरी जी ते उन्हां दे 2 पोतरियां नूं पुराना रसोईया गंगू अपने पिंड लै गया।
पर वड्डे इनाम दे लालच विच उसने मुगलां नूं खबर कर दित्ती। इस तरह गुरु साहब दे परिवार दे तीन जीआं दी खबर मोरिंडा दे कोतवाल ने झटपट ही सरहंद दे सूबेदार वजीर खान नूं भेज दित्ती। उसने उन्हां नूं डराण धमकाण दी कोशिश कीती, पर दोनों साहबजादे अते उन्हां दी दादी बिल्कुल न डरे, सगों अपने धर्म ते मर्यादा ते कायम रहे। उन्हां तिन्हां नूं उस रात इलाकाई जेल विच डक दिता। उस जेल दा एक हिस्सा अजे भी खड़ा है। ये ओ कोठड़ी है जिस अंदर तिन्ना नू कैद कीता गया सी। दूसरे दिन उना नू सरहंद भेज दिता गया, जिथे उना नू ठंडी बुर्ज विच बंद कर दिता। 1704 ईस्वी दी कड़ाके दी सर्दी दा मौसम सी, इस करके इस बुर्ज नू ठंडी बुर्ज किया जांदा है। ये ओही थां है अते जिथे साहबजादियां नू उना दी दादी नाल कैद रखा गया सी। उस वेले इत्थे एक वड्डा किला सी, जिथे सूबेदार वजीर खान अपनी मजलस ते अदालत लांदा सी। अगले दिन उसने साहबजादियां नू अपने सामने पेश करन दा हुकम दिता। जदों दोवें साहबजादे अपनी दादी कोलों लजाए जान लगे, तां दादी ने अपने परिवार दे नां अते सन्मान नू कायम रखण दी याद दवाई। ज्यों ही बच्चे दरबार विच पुजे, उन्हां कठियां ही जयकार कीता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। उन्हां गवर्नर दे सामने सिर चुकाण तों इनकार कर दिता, क्योंकि उन्हां नूं सिखाया गया सी कि अकाल पुरख अते गुरु तों बिना किसे दे सामने सिर नहीं चुकाना। सूबेदार वजीर खान ने उन्हां नूं इस्लाम स्वीकार कर लैण लई मनाण दी कोशिश कीती। वड्डे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह 9 साल दे सी अते छोटा साहबजादा बाबा फतेह सिंह सिर्फ 7 साल दा सी, पर दोवें निडर सन। सरहंद दे सूबेदार वजीर खान ने उन्हां नूं मनाण लई हर चाल चली। उन्हें उन्हां दी खुशामद कीती, जे तुसीं साडे धर्म विच आ जाओ तां असीं तुहाडा सत्कार करांगे। पर बच्चियां ने गरज के जवाब दिता, नहीं नहीं, असीं कदी भी अपना धर्म नहीं छड्डांगे। इन बदतमीज बच्चों को हमारे सामने से ले जाओ और अच्छा सबक सिखाओ। क्यों बच्चों, कुछ अकल आई? अब जेल और सजा के अलावा तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा घर बर्बाद हो गया, मां बाप का अब पता ठिकाना नहीं। बस हमारी बात मान लो और आराम की जिंदगी गुजारो। नहीं नहीं, कदी नहीं। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। अगले दिन उन्हां नूं फिर दरबार विच ले जाया गया ते उन्हां ने फिर उसे दलेरी नाल सूबेदार दा सामना कीता। इन दोनों बेहुदा लड़कों को दीवार में चुनवा दिया जाना ही बेहतर होगा। जिंदा ले जाओ। उत्थे हाजर मलेर कोटला दे नवाब शेर मोहम्मद खान ने जोरदार विरोध कीता। इन दोनों बच्चों को जो कि तिथल है और इनका कोई कसूर नहीं, इन पर अपने ही लोगों के फिरकों के जुल्म के लिए ऐसी सख्त सजा देना इस्लाम और मुकद्दस पैगंबर की रिवायत के खिलाफ है। खुदा ताला उन पर हमेशा मेहरबानियां बरसाए। ओ एकदम दरबार नू छड़ के बाहर निकल गया। फिर उसने औरंगजेब नू एक चिट्ठी लिखी, जिस विच उसने वजीर खान दी जालिमाना कार्रवाई दी सख्त निंदा कीती। ए उस चिट्ठी दी नकल है। वजीर खान नू अजे भी उम्मीद सी कि ओ साहबजादियां नू मना लवेगा, पर दोवें नहीं मनने। सूबेदार दा गुस्सा वधदा गया। हुक्म दिता कि सजा उत्ते तुरंत अमल कीता जाए। 26 दिसंबर 1704 नूं उन्हां नूं जीवंदियां दीवार विच चिण दिता गया।
दोहां बच्चियां दी शहादत मगरों माता गुजरी जी नूं भी तसीहे दिते गए। ओ भी इस ठंडी बुर्ज विच शरीर त्याग गए। कदे इस थां उत्ते जिथे फतेहगढ़ साहब है वजीर खान दा महल हुंदा सी, जिसनूं बाद विच बंदा बहादुर ने ढा ढेरी कर दिता। इही अज बाबा फतेह सिंह अते बाबा जोरावर सिंह दी शहादत दी पावन यादगार है, जिस दी मिसाल मनुख जाति दे इतिहास विच किधरे भी नहीं मिलती। दो मासूम बच्चियां ने अपनी शहादत दे के संसार नूं वखा दिता कि जिस देश विच उना वर्गे बहादुर बच्चे जन्म लेंदे हन वो सदा जीवत रहिंदा है। इस धरती दे उत्ते बड़े बड़े दानी होए, गऊआं दा दान करन वाले, घोड़ियां दा दान करन वाले, सोनिया दान करन वाले, पर सारियां तों विशेष यह गल होई कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने इन्हां तों अगे दान कीता। कादा दान कीता? अपनी माता दा दान कीता। इस देश हिंदुस्तान वास्ते माता दा दान कीता, पिता दा दान कीता अते पुत्रां दा दान कीता। तां ही उन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं सरबंश दानी, पुत्रां दा दानी कहा जांदा है। यह वो स्थान है जिथे उन्हां दे छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह 9 साल, बाबा फतेह सिंह 7 साल दी उम्र दे विच धर्म दे उत्ते कुरबानियां कीतियां। अते ए ओ स्थान है जिथे नींह दे विच जिंदे चनाया गया। तिन्ना जिंदगियां दी जोत बुझ गई, पर किसे ने भी उन्हां दे मृत शरीरां दी मंग नहीं कीती। अकाल पुरख आप उन्हां दी मदद करदा है जो उसनू प्यार करते हैं। गुरु जी दे शरदालु एक बनिए टोडर मल ने सूबेदार पासों इन्हां दा संस्कार करन दी आग्या मंगी। सूबेदार उसनू संस्कार लई उन्नी थां देन लई तैयार हुंदा है जिन्नी ओ सोने दियां मोहरां विछा देवे। इस लई टोडर मल अपने जीवन दी सारी कमाई लै आया। ते ए उही थां है जिथे बहादुर बच्चियां अते उना दी प्यारी दादी दा संस्कार होया सी। उना दी पवित्र याद विच गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप कायम है। वापस माछीवाड़े विच जिन्हां लोकां नूं गुरु जी बारे पता लगा उना विच दो भरा गुलाबा ते पंजाबा भी सन। ओ गुरु जी नूं अपने घर ले आए जिथे गुरु जी ने एक रात बिताई। उस याद विच इथे गुरुद्वारा चुबारा साहब है। पिंडां अते खेतां विच मुगल फौजी गुरु जी नूं लभ रहे सन। माछीवाड़े दे लोकी डर गए। उन्हां ने गुलाबा ते पंजाबा नूं आख्या कि ओ गुरु जी नूं किधरे होर सुरक्षित थां ते भेज देण। माछीवाड़े विच दो भरा गनी खान ते नबी खान भी रहिंदे सन। ओ आनंदपुर विच गुरु जी नूं घोड़ियां दी खेम पहुंचाया करदे सन। ओ गुरु जी दे बहुत शरदालू सन। उन्हां ने गुरु जी नूं अपने घर लिजाण दा फैसला कीता जिथे मुगल फौजियां नूं घट शक हो सकदा सी। गुरु जी ने एक दिन ते एक रात
इस थां ते इस कमरे विच बताई। ये गुरुद्वारा गनी खान ते नबी खान दी याद विच है, जिन्होंने किसी भी खतरे की परवाह किए बिना गुरु जी नू माछी वाड़े तो दूर ले जाण दी एक व्यूत बनाई। उन्हां गुरु जी नू मुसलमान पीर वर्गे कपड़े पाण दी बेनती कीती ते लिबास तैयार करके उन्होंने इस मिट्टी दे मट विच नीले रंग दा रंगिया। गुरु जी ने उच्च दे पीर दा भेस धारिया, उन्हां नू एक मंजी ते बिठा के अगले पासे तो खान भरावां ने अते पिछले पासे तो भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह ने अपने मोढ़ियां ते चुक लिया। ये बहुत ही दलेरी भरिया कदम सी जो खान भरावां ने सुरक्षित निकल जाण लई चुनिया। बार बार उन्हां नू रोकिया जांदा रहा, पर वह मुगलों दियां सारियां नाकेबंदियां एक एक करके पार कर गए। गुरु जी टेढ़े तिरछे रस्तियां तो निकलते हुए कटाना पुजे, जिथे उन्होंने इस बेर दे दरखत हेठां आराम कीता। छेवें पातशाह गुरु हर गोविंद जी ने भी इसे दरखत हेठां आराम करके इस थां नूं अपनी चरण छोह नाल पवित्र कीता सी। जद गुरु जी इत्थे पुजे तां इलाके दे बहुत सारे भगत उन्हां दे दर्शन करन लई आ गए। इत्थे गुरु जी ने संगतां नूं उपदेश दिता, एक वड्डी देग विच कड़ा प्रसाद तैयार करके वरताया गया। इसे करके ये गुरुद्वारा देगसर साहब दे नां नाल जानिया जाता है। आनंदपुर साहब छड़न दे बाद गुरु साहब ने अपने भगतां नूं इत्थे ही पहली बार उपदेश दिता अते प्रसाद वंडिया। इस बेर दे दरखत बारे एक बहुत ही अनोखी कथा प्रचलित है। जदों अंग्रेजा ने इत्थे एक नहर बनाने की योजना बनाई तां जे स्मिथ नां दे अंग्रेज इंजीनियर ने इस बेर दे दरखत नूं कटन दा फैसला कीता। ऐसा मत करिए साहब, ये एक पवित्र पेड़ है। जिस समय दरखत ते कुलाड़ी दा पहला वार कीता गया वो अन्ना हो गया। काम रोक दिता गया। लोकां उस अंग्रेज इंजीनियर नूं सलाह दित्ती कि वह गुरु जी अगे अरदास करके खिमा मंगे। उस ये गल मन ली। गुरु जी की कृपा नाल मिस्टर स्मिथ दियां अखां दी रोशनी वापस आ गई। उसने दरखत की सुरक्षा लई ये दीवार बनवा दित्ती। धन्नवाद करन ते अपनी श्रद्धा प्रकट करन लई उसने नहर दे नेड़े ही इस गुरुद्वारे दा निर्माण करवाया। गुरु जी कटाना तो पच्छम वल रवाना होए। रस्ते विच उन्हां ने कई थावां ते संगतां नूं उपदेश अते दर्शन दित्ते। आखर वो आलमगीर पुज गए, जिथे भाई मनी सिंह दे वड्डे भरा भाई निगाया सिंह अते उसदे परिवार ने उन्हां दा स्वागत कीता। घोड़ियां दे व्यापारी भाई निगाया सिंह ने सब तो वधिया घोड़ा गुरु जी नूं भेंट कीता। इस थां ते गुरु साहब ने मंजी छड़ के फिर तो घोड़े की सवारी कीती सी। याद विच इत्थे गुरुद्वारा मंजी साहब है। गुरु जी ने गनी खां ते नबी खां नूं असीस दे के प्यार नाल विदा कीता अते खान भरावां ते उन्हां दे परिवार दा आदर ते सत्कार करन लई उन्हां ने सिखां दे नां हुक्मनामा जारी कीता। उस तों बाद ओ पश्चिम दे वल वधदे रहे। उन्हां दे दिल विच इही लगन सी कि खालसा दी जोत जगदी रवे। गुरु साहब अपने साथियां समेत चलदे रहे। ओ किथे भी ज्यादा देर नहीं ठहरे क्योंकि मुगल फौजां अजे भी पिछा कर रही सन। एरन सलोनी रायकोट हुंदे होए जटपुर पहुंचे। इत्थे सिखां अते होर शरदालुआं ने गुरु जी का स्वागत किया। इन्हां विच इस इलाके का जिमीदार
राय कला खानवी सी। राय कला खान गुरु जी दी आप बीती सुन के ताहा मार के रो पिया। गुरु जी ने उसनु अपने माता जी अते छोटे पुत्रां दा पता करवान लई आख्या। राय कला खान ने अपने परोसे दे बंदे नूरा माही नू सरहंद ते आस पास दे इलाके विच भेजिया। दरखत दे हेठां बैठ के गुरु जी राय कला खान नाल अपने बच्चियां बारे जानन दी इंतजार विच बैठे रहे। कुछ दिनों दे बाद नूरा माही दुखदाई खबर लेके मुड़िया। गुरुजी कुछ देर शांत बैठे रहे। उना अकाल पुरख दा धन्नवाद कीता कि उसने साहबजादियां नूं इतनी हिम्मत अते सिखी प्यार दी बख्शिश कीती। फिर उन्होंने तीर चुकिया ते कहा दा एक बूटा पुटदिया होया हौली जही आवाज विच आख्या कि अकाल पुरख इस जालम हकूमत नूं इस तरह पुट देवेगा। गुरु जी ने राय कला खान नूं एक तलवार अते गंगा सागर दी यादगारी चिन्ह वजों बख्शिश कीती, जिन्हां नूं उसदे वारिस राय अजीजुल्ला खान ने लाहौर विच बड़े सत्कार ते प्यार नाल सुरक्षित रखिया होया है। मैनू अपने बुजुर्गां ते राय कला दी जदों मैं गल करना मेरा फखर नाल सिर बहुत उच्चा हो जांदा है, क्योंकि एक दूसरे धर्म नाल तलक रखदे होया राय कला ने उस वेले गुरु साहब नूं जी आया नूं आख के उन्हां दी सेवा करके उन्होंने सिर्फ एक चीज नूं मूर मुख रखिया कि इस वेले ज्यादती ते जुल्म किहदे नाल हो रहा और जुल्म और ज्यादती कर कौन रहे। उन्होंने अपने विच ते किसे होर धर्म दे विच फर्क नूं बिल्कुल नहीं आन दिता और वो ऐसा वेला सी, ऐसा औखा वेला सी गुरु साहब ते जिस वेले के उन्हां दे किसे वेले दे बड़े वड्डे श्रद्धालुआं ने भी उन्हां तो मूँह मोड़ लिया सी। ते मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करदा कि मेरा तालक उसे खानदान नाल है। इत्थे जटपुरा विच थोड़ा विश्राम करन तो बाद वो अग्गे चलदे रहे। हैरत दी गल सी कि चार पुत्तर अते अपनी माता गवाण तो बाद भी गुरु जी दृढ़ सन। गुरु जी ने सुरक्षता लई मुगल फौजां तो दूर अपना सफर जारी रखिया। इस तरह ओ मेथियाना तखतपुरा आदि पिंडां नूं पार करदे होए दीना पुज्जे, जिथे उन्हां दी पछाण दे राय जोध दा परिवार रहिंदा सी। उस दे पोतरे चौधरी समीर अते चौधरी लखमीर ने गुरु जी दा शरदा नाल निग्गा स्वागत कीता अते गुरु जी दी सुरक्षा दा ध्यान रखदिया अपने घर दी उपरली छत दे कमरे विच ठहराया। दीना दा ए प्यारा गुरुद्वारा लोहगढ़ दे नां नाल मशहूर है। ए चौधरी भरावां दे उस पुराने घर वाली थां ते है जिथे गुरु जी ठहरे सन। चौधरियां दी एक हवेली नेड़े दे पिंड कांगड़ विच सी, जिथे उन्हां दे वारस हुण भी रहिंदे हन। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी दी कांगड़ पिंड फेरी दी याद विच गुरुद्वारा कांगड़ चौधरियां दी हवेली दे नेड़े ही है। सोरठ मोहल्ला पंजवां गुरपुरा अरादे कारज सगले सादे सगला मनोरथ पूरे वाजे आनहद तूरे संतो राम जपत सुख पाया संत स्थान वसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाओ। इना त्वसप परे दिना विच भी गुरुद्वारा कांगड़ दा माहौल अनोखा ते सद्भावना भरिया हुंदा है। नानक दास वखाणी निर्मल आखत कहानी ग्रंथी
अपनी सेवा निर्माण तो बाद अपने परिवार को चला जाता है। ये रोशन खान एक पठान है। सानू दसिया गया कि दसवें पातशाह रात दीना विच आराम करते सन, प्रशादा कांगड़ विखे छकते सन, अते वजीर खान दे जसूसा नू टालन लई दिन दा समा दयालपुरा पाइका दे बागां विच बतांदे सन। सुरक्षित इलाका होण करके गुरु जी नू बीते कुछ महीनिया दियां घटनावां बारे सोच विचार करन दा मौका मिलिया। ओ कठन अग्नि परीक्षा दे दौर विचों निकले सन। दयालपुरा दे संघने बागां दे शांत वातावरण ने उन्हां नू गहराई नाल सोचन दा मौका दिता। इथों उन्हां ने फारसी भाषा विच औरंगजेब नू एक महत्वपूर्ण खत जफरनामा लिखिया। इस राही उन्होंने औरंगजेब नू अपना धर्म समझण अते खुदा दी ताकत नू पछाणन लई बंगारिया सी। उन्हां इस थां ते बह के उस चिट्ठी विच अपनी भावना नू प्रकट कीता। चकुरान कसमरा कुनम एतबार वगरना तोगुई मनिंद्रा चेकार तोरा तुर्क तावजी बे मकरो रिया मरा चार सावजी बे सिद्को सफा। न ईमान परस्ती न ओजा यदीन न साहिब शनावसी न मोहकम यकीन चुकार از همه هیلتی در گذشت حلال است بردن به شمشیر دست. گرو جی نے زفرنامہ اورنگزیب نو نجی طور تے دین لئی پائی دیا سنگھ اتے پائی ترم سنگھ نو پیچیا۔ اورنگزیب اس سمے دکھن پارت وچ سی۔ اس دوران وزیر خان نے چودھری پراواں نو حکم دیتا कि ओ गुरु जी नू गिरफ्तार करन, पर उन्होंने इनकार कर दिता। इस ते सूबेदार ने आपे हमला करन दा फैसला कीता। इस समय विच वजीर खान 10,000 दी फौज लेके जोश नाल गुरु जी दा पिछा कर रहा सी। इस गल ने गुरु जी नू जरा भी परेशान नहीं कीता। उना कोल फौजी जरनैल दा दिमाग सी। ओ दृढ़ता नाल टक्कर लैन लई योग थां दी पाल विच सन। उना नू कोट कपूरा दा ध्यान आया ते ओ उस पासे वध गए। एक समय इस पिंड दा मुखिया कपूर सिंह अपनी एक गढ़ी विच रहिंदा सी। ओ भी गुरु जी दा परम भगत सी, पर जदों गुरु जी ने उस नू गड़ी वर्तन वास्ते देन लई कहा तां उसने वजीर खान दियां वद्दियां आ रहियां फौजां तो डरदियां इनकार कर दिता। कपूर सिंह दी गड़ी तां नष्ट हो चुकी है, शायद उस थां दी जगह ए यादगार खड़ी कीती गई है। गुरु जी नू नेड़े ही पिंड टिलवां सोडियां बारे पता लगा, जिथे सोडी बरादरी दे लोकी रहिंदे सन। ओ उस पासे मुड़े, उथे कौलजी सोडी ने उन्हां दा स्वागत कीता। लंबे सफर तो बाद उन्हां नू इत्थे आराम करन दा समा मिलिया। उन्हां इस्नान करके अपने वस्त्र बदले, घर दी बीबी ने श्रद्धा नाल उन्हां दी सेवा कीती, निशानी वजों उन्हां दे उतारे वस्त्रां दी मांग कीती। उस दी श्रद्धा वेखदिया होया गुरु जी ने कई वस्त्रां दी उस नू बख्शिश कीती। गुरु जी का यह चोगा टाके की मलमल का बनिया होया है। ये उन्हां दियां गदेले दी सलाई वालियां जुराबां ने जो लड़ाई जां घुड़सवारी वेले पाईयां जांदियां सन। ये कटार जिस दे एक पासे गणेश जी अते दूजे पासे
हनुमान जी दे चित्रां दी नकाशी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए बसना जी, हिस्ट्री इस तरह है, गुरु कौल जी दे वर्तमान वारस हरजीत सिंह जी सोडी इना पवित्र यादगारी चिन्हां दे राखे हन। मुगल फौज बहुत नेड़े आंदी जा रही सी। गुरु जी ने बस आर जां पार ही लड़ाई दा फैसला कर लेता। लड़ाई लई गुरु जी ने खुली ते उच्ची थां दी चोण कीती, क्योंकि एथे इस खिदराना दी टाब ते ही पानी मिल सकता सी। एथे खड़िया होके गुरु जी ने दुश्मन दे हमले दा इंतजार कीता। अजकल ए इलाका वखरे ही रूप विच वखाई दिंदा है। चारे पासे हरियावल है। टिब्बा जिथे गुरु साहब आपों खड़िया होके सिंगां दी बहादरी वेखदे सन, आज जो थां सपाट हो गई है। उस थां ते खड़ा है गुरुद्वारा टिब्बी साहब। आनंदपुर साहब दी घेराबंदी समय कुछ सिख गुरु जी नूं छड़ के आ गए सन। माझे ते दुआबे दे पिंड वासियां ने अपने इलाके विच गुरु जी दा आना अते उना दिया अथा कुर्बानियां बारे सुनिया तां बेदावा दे के आए सिंगां नूं उना दिया वोटियां ने बुजदिल ते कायर दे मेने दित्ते। एक पिंड चबाल दी माई पागों अगे वधी, उस शस्त्र धारण कर ले ते शर्म नाल सिर चुकाई बैठे बेदावा दे के आए सिंगां नूं वंगारिया। उना विचों 40 सिख उस दे नाल खिदराना लड़न लई तुर पए। हुण तक गुरु जी कोल तकरीबन 1000 हथियारबंद सिख पुज गए सन। ओ गुरु जी लई मर मिटन नूं तैयार सी। इथे माई पागो अते 40 सिख दूजे पासे लुके बह गए। मुगल फौज नूं भुलेखा पाण लई उन्हां चारे पासे दरख्तां ते अपनियां चिट्टियां चादरां खिलार दित्तियां। दुश्मन ने समझिया इथे सिखां दा बहुत वड्डा डेरा है। उन्हें मुड़ के उस पासे हमला कर दिता। एक सिख बीबी ते 40 सिंघां ने मुगलां ते हमला कर दिता। वो चाहते सन कि जितनी देर वध तो वध हो सके मुगल फौज नू अगे वधन तो रोकी रखन, तां जो गुरु जी अपने मोर्चे बना लैन। गुरु जी इस उच्ची ते हमले लई चुनी योग थां तों माई पागो ते 40 सिंघां नू दुश्मन नाल जूझदियां वेख रहे सन। उधर मुगल फौजां पानी तो बिना प्यास नाल बेहाल हो रही सन। ये वेख के सेपा सलार अपनियां प्यासियां टुकड़ियां नू लै के तलाब वल वध्या। उस नू ये वेख के निराशा हुई कि तलाब सुक्या होया सी। उन्हां नू वी को पिछे पानी दे लई मुड़ना पिया। इस समय सैकड़े होर सिंह खिदराने पुज गए। उन्हां पिछे हट रही मुगल फौजां ते जोरदार हमला कर दिता, जिस नाल दुश्मन दे पैर उखड़ गए। गुरु जी दी मुगल हकूमत नाल ए आखरी लड़ाई सी अते एक होर जित दा सेरा उन्हां दे सिर ते सी। गुरु जी लड़ाई दे मैदान वल गए। उन्हें वेख्या कि सारे बहादुर सिंह शहीद हो गए हैं। एक महासिंह अजे तक सा ले रहा है। महासिंह ने गुरु जी का साथ छड़न की माफी मंगी कि बेदावा दे कागज नूं फाड़ दिता जावे। कमर कसे विच्चों कढ़ के उन्होंने बेदावा टुकड़े टुकड़े करके सुट दिता। भाई महासिंह ने संतोष नाल मुस्कुरा के आखरी सा लिया। ये सब कुछ इथे वापरिया। गुरु जी ने 40 शहीदां दिया मृत देहां दी पाल कीती अते उना नू मुक्ते अर्थात जन्म मरण दे गेड़ तो मुक्त होके अकाल पुरख दे चरणा विच जा विराजन दा वर दिता। उना ने इस लड़ाई दे मैदान नू मुख्तसर दा नां दिता। गुरु जी ने सारे शहीदां दियां लाशां कठियां करवा के उन्हां दा इस थां ते
अपने हाथी संस्कार किया। इस थान अंगीठा साहब के ना तो सम्मान दिता जाता है। उन्हां 40 मुक्तियां नूं अज भी अरदास विच याद किया जाता है। लड़ाई दे मैदान विच्चों चलन तो पहला गुरु जी ने वेख्या कि लाशां दे ढेर हेठ कोई चीज हिल रही है। ओ माई भागो सी। दवा दारू करवा के उसनू तंदुरुस्त कीता ते अमृत छका के माई भागो कौर बना दिता। इस्त्रियां नू भी मर्दां दे बराबर दा दर्जा दिता। शैतानी फौजां उत्ते गुरु जी दी जित दी खबर चारे पासे फैल गई। मालवे दे सिख गुरु जी दे दर्शना लई बेचैन हो उठे। गुरु जी ने दखण जाण दा फैसला कीता। लखी ते बठिंडा तो हुंदे होए साबो की तलवंडी वल चल पए। 1705 ईस्वी दे पतझड़ दे मौसम विच गुरु जी साबो की तलवंडी पुजे। ए थां उन्हां दे पिता अते दूजे बुजुर्गां दी चरण छोह नाल पवित्र होई सी। इत्थे ओ अपने भगतां विच सुरक्षित सी जो भारी गिणती विच सिख गुरु जी दे दर्शनां लई इत्थे पुज्जन लगे। इत्थों दे मुखिया डल्ला ने उन्हां दा निग्गा स्वागत कीता। डल्ला दे कोल तगड़े सिपाहियां दी फौज सी जिस ते उस नूं बड़ा माण सी। ओ गुरु जी नूं बार बार आखदा कि जे उस नूं पता लग जांदा ता ओ अपने आदमियां नूं चमकौर भेज दिंदा। एक दिन लाहौर तों आए एक सिख ने राम जंगा नां दी एक बंदूक गुरु जी नूं भेंट कीती। मुखिया डल्ला ते उसदे कई फौजी भी हाजिर सन। गुरु जी ने आख्या कि अपने फौजियां विचों किसे नूं अग्गे करे जिसदा निशाना मिथ के इस नवे हथियार दी परीक्षा कीती जा सके। पर डल्ला दे किसे आदमी ने अग्गे आउण दी हिम्मत ना कीती। गुरु जी मुस्कुराए ते आख्या त मैं अपने किसे बंदे नूं बुलाना हां। गुरु जी दी इच्छा सुन के दो सिख एक दूजे नूं तकदे ते ए आखदे दौड़दे अग्गे आए कि पहला उसने सुनिया है इस करके पहला निशाना बनन दा अधिकार उसदा है। दोनों सिखां दी एही होड़ सी। गुरु जी ने दोहां नूं सामने खड़े होण लई किया अते गोली उन्हां दे सिर दे उपर चला दित्ती। कोई भी एक सूत भी पिछे नहीं हटिया। ये घटना इत्थे वापरी। ये गुरुद्वारा भाई वीर सिंह अते भाई तीर सिंह दी निष्ठा ते बहादुरी दा प्रतीक है। डल्ला ने जदों सिंघां दी हिम्मत ते आग्या पालन दी भावना वेखी तां ओ अपनी शेखी ते बहुत शर्मिंदा होया अते गुरु जी दे चरणां विच डिग पिया। डल्ला अमृत छक के भाई डल्ला सिंह बन गया। गुरु जी ने उस नूं असीस दित्ती अते अपनियां कई वस्तां ते शस्त्रां दी उस नूं बख्शिश कीती जिन्हां नूं उस दे वारसां ने अज तक प्यार ते सत्कार नाल सांभ के रख्या होया। सुपरा अल्लाह लिखिया होया किसे मुसलमान कारीगर ने गुरु साहब नूं भेटा कीता सी। ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਆ ਖੂਨ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬੀੜਪੁਰੀ 1430 ਪੰਨਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
इस लई ये पेंट भाई डल्ला दे परिवार कोल रह गई। गुरु जी दियां दोवें पत्नियां जो सरसा दरिया तो विछड़ के दिल्ली पुज गईयां सन, ओ तुरंत उना पास पुज गईयां। जद ओ साबो की तलवंडी पुजियां, गुरु जी संगतां नूं उपदेश दे रहे सन। उना दियां नजरां साहबजादियां दी पाल कर रहीयां सन। जदों उना नूं सच्चाई दा पता लगा तां ओ रो पईयां। गुरु जी ने दिलासा दिंदिया होया आख्या, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। संगतां दे प्यार अते उना दी शरदा कारण गुरु जी एथे 9 महीनियां तो वध ठहरे। लोकी कठे हो के दर्शना लई आउंदे, संगत विच शामल हो के गुरु जी दे उपदेश सुनदे। साबो की तलवंडी दा वातावरण आनंद नाल भरपूर हो गया। गुरु जी ने इथे अपना समा साहित रचना विच लाना शुरू कर दिता। अशांति ते उथल पुथल दे लगभग 1 साल बाद दम लैण दी ए थां दमदमा साहब बन गई। हुण ए सिख धर्म दे प्रमुख तख्तां विचों एक है। साबों की तलवंडी विच सारा कुछ फेर तो कठा हो गया। बस गुरु अर्जन देव जी दा लिखिया होया आद ग्रंथ नहीं मिलिया, क्योंकि करतारपुर दे सोडियां ने उस पोथी नूं देन तो मना कर दिता सी। ए गुरु साहब लई एक चुनौती सी, ते उन्होंने निश्चय कीता कि ओ अपनी अध्यात्मक शक्ति अते रब दी कृपा नाल दोबारा रचना करनगे। इथे ए सरोवर नेड़े ए जगह अज लेखन सर दे नां तो जानी जांदी है। इथे एक तंबू विच बह के गुरु साहब ने भाई मनी सिंह नूं आप उचार के गुरबाणी लिखवाई। उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी दी बाणी भी आदि ग्रंथ विच दर्ज करवाई, पर अपनी एक भी रचना दर्ज नहीं कीती। ए उन्हां दी महानता सी। गुरु साहब 3 महीने तां तंबू विच बह के साधना विच लीन हो गए अते संपूर्ण ग्रंथ लिखवाया। पवित्र ग्रंथ दी संपूर्णता दे बाद गुरु जी ने सरकंडे दी कलम नू सरोवर विच सुट के आख्या, ग्रंथ साहब विच हुण कुछ होर जोड़िया नहीं जावेगा, सारा ज्ञान इस पोथी विच है। सिख जगत दे अंदर श्री दमदमे साहब वाली बीड़ आख्या जाता है, उसे ही पावन स्वरूप दे उतारे शहीद बाबा दीप सिंह जी ने अपनी कलम दे नाल कीते हन, जो 4 तख्तां दे भेजे गए। उन्हां विचों एक उतारा जो बाबा दीप सिंह जी दी हाथ लिखत है, जिस दे आप दर्शन दारे कर रहे हो, इस विच एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक संपूर्ण गुरबाणी बाबा दीप सिंह जी ने अपने हत्थां नाल लिखी हुई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। होर यादां गुरु जी दी ए मोर चमत्कारी दर्पण वर्गियां होर कई निशानियां इत्थे सांभियां होईयां हन। ए विश्वास कीता जांदा है कि मिर्गी ते लकवा मारे बुढ़े बच्चे जे 7 सोमवार इस दर्पण विच टकटकी ला के वेखण तां ओ निरोग हो जांदे हन। ए गुरु जी दी बख्शिश है। सुक्के मालवे नूं भी गुरु जी दियां कई बख्शिशां हन। उन्हां ने कहा सी कि एक दिन ए इलाका उपजाऊ ते खुशहाल होवेगा, असी अज ए अपनियां अखां नाल वेख रहे हां। उन्हां ने साबो की तलवंडी नूं भी बख्शिश कीती ते इस नूं गुरु की काशी दा वर दे के विद्या दा केंद्र स्थापित कीता। महान दिन फेर मुड़ आए सन। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सबो की तलवंडी विखे गुरु ग्रंथ साहब नूं दुबारा लिखिया। इस नाल उन्होंने पंजाब दी धरती विच खालसा पंथी जड़ां नूं होर मजबूत कीता। मैं कह सकदा कि इस युग दी सब तो वड्डी कोई शख्सियत अगर कोई हुई तो वह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सन। उन्होंने गरीबां दी लड़ाई लड़ी, औरत दे हक लई लड़ाई लड़ी, और मुगल बादशाह दे जुल्मां दा डट के मुकाबला कीता।
1706 गुरु साहब ने सबों की तलवंडी बह के खालसा पंथ की चढ़ती कला लिए काम किया। इस दौरान भाई दया सिंह गुरु जी की चिट्ठी जफरनामा औरंगजेब नूं देण लई दखण की यात्रा से चले गए सन। बादशाह ने भाई दया सिंह का निघा स्वागत करदिया होया गुरु साहब का जफरनामा स्वीकार किया। तू धोखेबाजी नाल लुट खसुट के राज करदा है ते मैं मुश्किलों का हल सच्चाई ते पवित्रता नाल लभदा हां। मैं तेरी कुरान की कसम का की विश्वास करा? मुमकिन है कि तू उन्हां कसमां तो भी मुकर जावे। जिस वेले सारे हीले मुक जान उस वेले तलवार हथ विच चुकना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। ज्यों ज्यों बादशाह औरंगजेब ने वो जफरनामा पढ़िया उसका दिल आत्म गलानी नाल भर गया अते उसनू गुरु जी नू गलत समझन दा पछतावा होन लगा। उच्च कोटि दी फारसी नजम विच लिखी चिट्ठी ने शीशे दी तरह उसनू अपना असली चेहरा विखाया। औरंगजेब वो चिट्ठी पढ़ के बहुत हैरान होया कि जिसनू वो खत्म होया समझ रहा सी अते हारिया होया मानदा सी वो अजे तक भी अजित सी। उसकी आत्मा चढ़दी कला विच सी। गुरु जी ने उस चिट्ठी विच लिखिया सी, मैं तैनू शाहां दा शाह मनन लई तैयार नहीं हाँ क्योंकि तू खुदा अते पैगंबर मुहम्मद साहब वल्लों दिते उपदेशां अते आदर्शां दा पालन नहीं कीता। जफरनामा दी कापी औरंगाबाद दे एक मकान विच अज भी सुरक्षित रखी है। हुण उथे एक गुरुद्वारे दी उसारी कीती जा रही है। यह हुक्मनामा जारी किया जाए कि हम गुरु गोविंद सिंह को अपने दरबार में आने की दावत देते हैं और उनके सफर के सारे इंतजाम किए जाएं। उसने दो हरकारियां नूं निजी सद्दा दे के गुरु जी दे कोल साबो की तलवंडी भेजिया। गुरु जी ने उसनूं बिना किसे झिझक दे स्वीकार कर लिया। उना दे सिखां ने बेनती कीती कि ओ अजिहा खतरा ना उठान, पर गुरु जी का विचार सी कि बादशाह नाल उना दी मुलाकात होन नाल सारियां गलत फहमियां ते उलझना दूर हो जाएंगी। इसलिए गुरु जी ने अक्तूबर 1706 ईस्वी विच साबो की तलवंडी तो विदा लई। ओ अपने काफले दे नाल सिरसा पुजे अते उथे थोड़ा आराम करन लई रुके। इत्थे सिरसा विच एक गुरुद्वारा दसवीं पातशाही उस यात्रा अते आराम दी यादगार है। अज भी सिरसा दी संगत 300 साल पहला कीती गई उना दी उस यात्रा प्रति श्रद्धांजलि भेंट करती है। इस दौरान गुरु जी ने अपने काफले नू छोटा करन दा फैसला कीता ताकि यात्रा छेती अते आसान हो सके। उस दे बाद उना दा काफला दखन दे लई रवाना होया अते राजस्थान पुजा। राजस्थान विच गुरु जी ने उथों दे राजपूतां नू प्रेरित कीता कि ओ जालम अते कट्टरवादी सरकार दे विरुद्ध एकजुट होण अते अपना क्षत्री धर्म निभाण। राजस्थान विच ओ सुहेवा, नौहर, जसाना, रावतसर, पादरा हुंदे होए जयपुर दे पच्छम विच
नरैना पिंड पुजे। नरैना दादू देवड़ा दे नां नाल भी प्रसिद्ध है क्योंकि कदी उथे संत दादू जी रिया करते सन। उस यात्रा के समय गुरु साहब उथों के संतां अते महंतां नाल भी मिलके एका अते समानता के आदर्शों का प्रचार करना चाहते सन। गुरु जी इस यात्रा के समय महंत जैत राम दादू जी के आश्रम के मुखी सन। उन्होंने गुरु जी का बड़े आदर सत्कार नाल स्वागत किया अते अपने आश्रम विच पधारन का सद्दा दिता। गुरु साहब खुशी खुशी अपने सिखां दे नाल उत्थे गए। उन्होंने संत दादू जी की वह गद्दी भी वेखी जिथे बह के वह साधना करया करदे सन। उत्थे जदों वह नेड़े पुजे तां उन्होंने सत्कार वजों अपने तीर नूं चुका के गद्दी नूं सलामी दिती। नाल दे सिखां ने यह बड़े ध्यान नाल वेख्या अते पुछया कि उन्होंने इस तरह क्यों किया, जदों कि उन्हों का अपना उपदेश है कि अकाल पुरख अते गुरु दे सिवा किसे दे अग्गे नहीं चुकना। गुरु जी बोले, मैं ये तुहाडी जागरूकता की परीक्षा लैण लई कीता सी। मैं नियम तोड़न वास्ते सज़ा स्वीकार करन लई तैयार हाँ। संगत ने गुरु जी नूं 125 रुपये तनखा लाई जो उन्होंने उसे वेले दे दित्ती। निम्रता अते रहत मर्यादा जो उन्हां दी जाता मन्नी जांदी सी उसका पालन करना गुरु जी का महान गुण सी। उन्होंने जो उपदेश दिता उसनू आप भी अपनाया। जाबते दे नियमां दा पालन ना करन दा दंड सख्ती नाल लागू हुंदा सी। इस तरह नरैना पिंड विच गुरु जी ने अपने आप नू सजा देनी स्वीकार कीती। सिख संगत मानदी है कि तनखाइया परंपरा तदों ही चली आ रही है। गुरु जी दे दित्ते गए तनखा दे पैसिया नाल कड़ा प्रसाद तैयार किया गया जिसनू सारे पिंड ने खुशी नाल रसनी लगाया। ये वही जगह है जिथे गुरु जी ने पिंड दे बाहर पड़ा लाया सी। आज उस जगह ते एक शानदार गुरुद्वारा कायम है। इथे गुरु जी नू पता लगा कि कत्तक सुदी पूरनमाशी दे दिन नेड़े ही भारत दे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुष्कर राज विच एक वड्डा मेला लगता है, इसलिए ओ उधर चल पए। उत्थे पुज के गुरु साहब ने अपने सिखां नू पुष्कर दा पुराना इतिहास अते उस दे पवित्र सरोवर दी महत्ता दसी कि इत्थे कत्तक सुदी पूरनमाशी दे दिन सारे भारत तों अनेकां भगत अते धार्मिक विश्वास वाले लोग इकट्ठे हुंदे हन। गुरु नानक देव जी ने भी 200 साल पहला कत्तक सुदी पूरनमाशी दे दिन ही इत्थों दी यात्रा कीती सी अते इस सरोवर दे पवित्र जल विच इस्नान कीता सी। उस समय इस घाट का नाम गऊ घाट सी। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इत्थे इस घाट ते इस्नान कीता, तां तो ही एक घाट गोविंद घाट अखवांदा है। गुरु जी दे दर्शना लई अते उना प्रति आदर प्रकट करन लई बहुत लोग आए। उना विच्चों एक ब्राह्मण पंडित चेतन दास भी सी। ओ गुरु साहब दे नाल ककारा नाल सुसज्जत सिंघां नूं वेख के हैरान हो गया। इसलिए उसने लम्मी दाढ़ी मुछां वालियां दी जाति अते कम दे बारे विच जानना चाहिया। गुरु जी ने फरमाया कि ए अकाल पुरख दी खालसा फौज है, पवित्र लोग जो धर्म दे रखियक हन। जदों गुरु जी पुष्कर विच सन तां पंडित चेतन दास ने उन्हां दी शरदा अते पूरन भगती भावना नाल सेवा कीती। उन्हां तों प्रसन्न हो के गुरु जी ने पंडित जी नूं एक प्रशंसा पत्र दिता जो उन्हां दे वारस मंगल सिंह पंडा कोल अज भी सुरक्षित है। इधे उत्ते लिखा है ऊपर महाराज कृष्णा मोर है। इधे उत्ते लिखा है देग तेग फते नसरत वेद रंग या फते है नानक गोविंद सिंह। हेठा लिखा है ओंकार श्री वाहिगुरु जी दी फते सर्वत्र पंथ खालसा जी दे ना
हुक्मनामा विक्रम संवत 1762 कत्तक सुधी पुनम नु गोविंद सिंह। पुष्कर तो गुरु जी पूरब वल नू चल पाए क्योंकि ओ प्राचीन साम्राज्य की राजधानी विराट नगर नू वेखना चाहते सन। रस्ते विच उन्होंने शेखावटी दे बगौर विच डेरा लाया। इत्थे ही उन्हां नू बादशाह औरंगजेब की मौत की खबर मिली। फिर उन्हां नू सोचना पिया कि अगे की योजना बनाई जाए। इसलिए उन्होंने दिल्ली हुंदियां होया पंजाब जाने का फैसला किया। इस दौरान औरंगजेब का वारिस उसका वड्डा पुत्र शहजादा मुअज्जम दूर जमरूद विच सी अते उधर आगरा विच मुगल सिंघासन खाली पिया सी। अते मुअज्जम का छोटा भरा आजम छेती तो छेती आगरा पहुंच के शाही मुगल गद्दी हथियाना चाहता सी। छोटे शहजादे दी विशाल सेना नू वेखदिया होया मुअज्जम दी मदद लई ना ता पहाड़ी प्रदेशां दे राजे अते ना ही उत्तर दे प्रांतां दे सूबेदार अगे आए। इस दे अलावा आजम एक ताकतवर जोधा सी पर मुअज्जम दे दरबारी अते नाल दे सामंत उसनू ही गद्दी ते बैठिया वेखना चाहते सन। इस वक्त जब साहिबजादे को अपना ही हक हासिल करने के लिए मदद की जरूरत है तो इस वक्त यहाँ के पहाड़ी राजे और अपने सूबेदारों ने ही मुंह मोड़ लिया। शायद सिखों या उनके गुरु से कोई मदद मिल जाए। क्या शेख चिल्ली जैसी बातें करते हो? मुगलिया सल्तनत ने आज तक कभी सिखों और उनके गुरु के खानदान को चैन से रहने दिया? सिखों से मदद की उम्मीद बिल्कुल मत करो। बड़े संत या पीर कभी अपने दिल में बदला लेने या नफरत की बात को नहीं बसाते। सुना है जो भी गुरु के दरवाजे पर सच्चे दिल से फरियाद लेकर जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ठीक है, देखते हैं। आखिर विच मुअज्जम अपने पुराने 77 पाई नंदलाल अते एक मुंशी हाकित राय राही गुरु जी पास सुनेहा भिजवांदा है अते मदद लई बेनती करता है। थोड़ा सोच के गुरु जी बोले कि जे शहजादा मुअज्जम न्यायपूर्वक राज करे अते गरीबां दी दिलों मदद करन लई तैयार होवे तां ओ उसदा हक जानी गद्दी दुआन विच जरूर मदद करनगे। सानू उस तों ए भरोसा चाहिदा है। इस तों बाद गुरु साहब दिल्ली वल चल पाए। दिल्ली पुज के गुरु जी ने इस जगह ते डेरा लाया सी जो अज मोती बाग दे नां नाल जानिया जांदा है। गुरु जी इस इमारत दी उपरली मंजिल ते ठहरे सन। इसलिए उन्हां दे कमरियां नूं अज भी उन्हां दी पवित्र याद विच सुरक्षित रख्या गया है। ए सुंदर गुरुद्वारा मोती बाग उसे इमारत दे कोल बनिया है जिथे गुरु जी ने आराम कीता सी। आज भी दिल्ली दी संगत उना दी उस पहली यात्रा नू बड़ी श्रद्धा दे नाल याद करती है। कहा जांदा है कि इथों ही गुरु जी ने लाल किले वल तीर छड़ के अपने आन दा ऐलान कीता सी। लाल मिला कुवर, क्या करिश्मा है? गुरु जी ने दूसरे तीर नाल कागज बन के सुनेहा भेजिया सी कि एक करिश्मा नहीं रियाज अते तीरंदाजी दी मुहारत है। गुरु साहब शहजादे मुअज्जम नाल लाल किले विच ना मिलके किसे दूसरी जगह मिलना चाहते सन। इसलिए यह फैसला होया कि जमुना दे किनारे हुमायूं दे मकबरे दे पिछे मिलिया जाए। आज जमुना लगभग 1 मील हट के वगदी है पर ए गुरुद्वारा दमदमा साहब उसे जगह ते स्थित है जिथे गुरु जी अते मुअज्जम दी मुलाकात हुई सी। शहजादे मुअज्जम ने गुरु जी दा गर्म जोशी नाल स्वागत कीता। इथे उन्होंने मौजूदा हालात उत्ते चर्चा की थी अते दिलों खुल के गल की थी। शहजादे ने गुरु जी नू अनेका कीमती वस्तां भेंट कीतियां। भावें गुरु जी पास कोई सेना नहीं सी अते उसदी कोई लोड़ भी नहीं सी
क्योंकि एक संत दा आशीर्वाद ही बहुत हुंदा है। इस तरह मुअज्जम ने अपने छोटे भरा दी विशाल सेना दा मुकाबला करन लई कूच कीता। तौलपुर अते आगरे दे विच जाजाऊ दे खुले मैदान विच 8 जून 1707 ईस्वी नूं दोहां दीआं फौजां भिड़ गईआं। आजम दी सेना मुअज्जम दे मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत सी, पर मुअज्जम दे नाल गुरु जी दा आशीर्वाद सी। अते फिर 300 सिखां दा रसाला भी भाई धर्म सिंह दी अगवाई विच उत्थे पुज गया। उस दिन अते दूजे दिन कमासान लड़ाई हुई। छोटे भरा दा पलड़ा भारा दिख रहा सी, पर इतिहास गवाह है कि आखिरी दिन 10 जून 1707 ईस्वी नूं लड़ाई दा पासा अचानक पलट गया अते मुअज्जम जीत गया। दशम पिता दा आशीर्वाद जो उस नाल सी, ओ बहादुर शाह पहला दे नां नाल जानिया गया। नवें बादशाह ने आगरे दा लाल किला अपने अधिकार विच लै लिया अते उसने अपनी ताजपोशी समारोह विच शामिल होण वजों गुरु जी नूं मान योग मेहमान बनन दी दावत दित्ती। गुरु जी मथुरा वृंदावन हुंदिया होया जुलाई 1707 ईस्वी दे अखीर विच आगरा लई रवाना होए। ओ अगस्त महीने दे शुरू विच आगरा पुजे अते ओथे उन्हां ने जमुना दे किनारे एक बाग विच डेरा लाया। आगरा दी संगत ने दस्या कि गुरु साहब ने एथे ही इस हाथी घाट दे कोल अपना डेरा लाया सी। एथे कदी शाही हाथी नदी विच नहाण आंदे सी। गुरु जी नूं बड़े सत्कार अते श्रद्धा नाल इस दरवाजे तों किले विच ले जाया गया। इस मौके ते 4 होर सिंह उन्हां दे नाल सन। भारत दे इतिहास दी एक घटना हमेशा याद दिलाएगी कि एक मुगल बादशाह अपने तख्तो ताज दे लई अपने ही कट्टर दुश्मन दा ऋणी होया। इस नाल साबित हुंदा है कि गुरु साहब कदी भी मुसलमाना दे विरोधी नहीं सन, जिवें कि कईयां नूं भरम है, पर अन्याय अते जुल्म दे सख्त खिलाफ सन। समुची मनुख जाति दे लई उन्हां दा उपदेश यही सी, हिंदू तुरक को राफ जी इमाम शाफी, मानस की जात सबे एक है पहचान बो। इत्थे एहसानमंद बादशाह ने गुरु जी नूं रत्ना जड़िया दुशाला अते कीमती तोहफे दे के सन्मान सत्कार कीता अते गुरु जी दा मदद दे लई धन्नवाद कीता। बादशाह ने बेनती कीती कि ओ ओथे कुछ दिन होर रुक के आगरे दी शोभा वधाण। भावें गुरु जी पंजाब जाना चाहुंदे सन, फिर भी उन्हां ने कुछ दिन होर ठहरन दा निश्चय कीता तां जो बादशाह नूं होर चंगी तरह समझा सकण। बहादुर शाह उन्हां दे साथ दा आनंद लैंदा अते अपना बहुत समा उन्हां दे नाल बिताण लगा। दखण दी विगड़दी हालत दे कारण बादशाह दा उत्थे जाना जरूरी हो गया। उसने किसे तरह गुरु जी नूं अपने नाल दखण यात्रा दे लई मना लिया। हो सकदा है कि ओ नहीं चाहुंदा सी कि गुरु जी पंजाब जाण, जिथे वड्डी गिनती विच उन्हां दे शरदालू सन जो एक वड्डा इकट्ठ बन सकदे सन। दूजे पासे गुरु जी ने इस सद्दे नूं स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हां ने एक तां ओ भारत दे दूजे हिस्सियां विच अपने उपदेशां दा प्रचार करना चाहुंदे सन अते दूजा ओ बहादुर शाह नूं उस दे पिता वल्लों कीतियां बेइंसाफियां वल्लों सावधान करना चाहुंदे सन। इस लई उन्हां ने आगरे नूं नवंबर 1707 अते राजस्थान मध्य प्रदेश अते खान देश हुंदे होए दखण वल चल पए। जदों कदी मौका मिलदा तां गुरु जी अपने निर्दोष पुत्रां नूं दीवार विच चिनन दे गुनाह दे लई
सरहंद दे सूबेदार नू सजा देन दा जिक्र करते। बहादुर शाह हमेशा उन्हां नू सुन लेंदा पर कोई कदम ना उठांदा। असल विच बादशाह अते गुरु जी ने एक दूजे दी संगत विच आनंद उठाया। वो इकट्ठे शिकार करदे अते रस्ते विच कई सुंदर थावां ते नाल नाल खेमे लगांदे। यात्रा विच वो उज्जैन, ओमकेश्वर अते बुरहानपुर तो गुजरे। महाराष्ट्र विच पुज्जन तो पहले उन्होंने सतपुड़ा अते विंद दी पहाड़ियां नू पार कीता। अते 1708 ईस्वी दे अगस्त दे अंत विच नांदेड़ विच गोदावरी नदी दे किनारे पहला डेरा लाया। एक दिन बहादुर शाह ने गुरु जी नाल बागी मराठियां दे बारे विच गल कीती अते मदद मंगी। बादशाह ने गुरु जी नू मनान दे लई एक बहुत कीमती हीरा भी भेंट कीता। गुरु जी ने हीरे नू सरसरी निगाह नाल वेख्या अते स्वीकार नहीं कीता। बादशाह नू ए वेख के हैरानी होई क्योंकि गुरु जी नू तन दौलत दी कोई खिच नहीं सी। ओ घटना इसे जगह ते होई जिथे उना दा डेरा लगा सी। इसलिए ए गुरुद्वारा हीरा घाट दे नां नाल जानिया जांदा है। गुरु जी ने ए वी वेख्या कि बहादुर शाह अपने उस वायदे तो मुकर रहा सी जो गद्दी हासिल करन लई सहायता मंगन समय कीता सी। इस तरह गुरु जी दा बादशाह तो भरोसा उठ गया अते उन्होंने उस तो वक होण दा निश्चा कीता। बादशाह दे अहमदनगर वल जाण दे बाद गुरु जी ने इत्थे डेरा पाई रखिया क्योंकि उन्हां नू इत्थों दी खुली आबो हवा पसंद सी। वो इत्थे शिकार दा आनंद लेना चाहते सन। इसलिए इस थां नू शिकार घाट दे नां नाल जाणिया जांदा है। इत्थे एक सुंदर गुरुद्वारा स्थापित है। कुछ समय बाद गोदावरी नदी दे कंडे चलदियां चलदियां नांदेड़ दे नेड़े उन्हां नू एक खूबसूरत थां दिखी जिथे उन्हां ने अपना अगला डेरा लाया। नांदेड़ विच उस थां ते अज गुरुद्वारा संगत साहब स्थापित है। इस गुरुद्वारे दी ग्रंथी एक स्त्री है। गुरु जी वल्लों स्थापित परंपरा जिथे आदमी अते स्त्री समान हन इत्थे इस गुरुद्वारे विच जिंदा है। जद गुरु जी इत्थे पुजे तां उन्हां दा काफी धन खर्च हो चुका सी। उन्हां दी नौकरी लगे फौजी पिछली तनखाह दी वार वार मंग कर रहे सन। गुरु जी ने इन्हां हालतां उत्ते विचार कीता अते फिर भाई दया सिंह नू माल टेकरी विच गुरु नानक जी वल्लों गड्डिया धन लियाण लई आख्या। जिवें गुरु जी ने कहा सी सचमुच उसे तरह ही उत्थे बहुत सारा धन मिलिया। गड्या होया धन इत्थे संगत साहब ते लियाया गया। सोने अते चांदी दे सिक्कियां नू फौजियां विच इस टाल नाल वंडिया गया। दो टाल पर घुड़सवारां नू अते एक टाल पर पैदल सिपाहियां नू। सारे खुश होए। इस पिछों गुरु जी ने गोदावरी नदी दे कंडे कंडे अपनी यात्रा जारी रखी अते नांदेड़ पहुंच गए। उन्हां नू नदी किनारे एक कुटिया दिखी। उन्हां दा दिल उस पासे घूमण दा हो गया। उस कुटिया विच कोई नहीं सी पर उस दे बारे विच ए मशहूर सी कि उत्थे माधवदास नां दा साधु रहिंदा सी जिस कोल दैवी शक्ति सी। माधवदास दे बारे विच एक होर गल भी मशहूर सी कि उस दे तख्त उत्ते उस दे सिवा कोई नहीं बैठ सकता सी। जो भी उस कोल आंदा तख्त हिलन लगदा अते उस नू उछाल के सुट दिंदा। गुरु जी तख्त वाल गए अते उस ते बैठ गए। कुछ भी नहीं होया। उस वेले माधवदास वापस आया। उसने वेख्या कि उसने तख्त ते कोई बैठा है। उसने गुस्से दी हद नहीं रही।
वो अग पंभूका हो गया। गुरु जी शांत चित बैठे रहे। माधव दास नू उना दे मुख ते अनोखा तेज चमकदा होया दिखया। माधव दास दे पुछण ते कि ओ कौन हन, गुरु जी ने अपना परिचय दस्या। ना सुनदिया ही ओ गद गद हो गया, भावुक होके गुरु जी दे चरना ते डिग पिया अते बोलिया, मैं ता तुहाडा बंदा हां। गुरु जी ने खुश होके उसनू अपना सिख स्वीकार कीता अते बंदा बहादुर सिंह नाम दिता। गुरु जी ने बंदा बहादुर सिंह विच अद्वितीय पौतिक अते दैवी शक्ति वेखी अते महसूस कीता कि ओ अजिहा व्यक्ति है जो खालसे दा चंडा लहरा सकता है। गुरु जी ने उसे वेले उसनू उत्तर विच जाके धर्म अते मातर भूमि दी रक्षा दा आदेश दिता अते आशीर्वाद समेत शक्ति दे प्रतीक पंज तीर दिते। गुरु जी दी दिव दृष्टि अटूट सी कि कल दे एक साधु नू उना ने बड़ी वड्डी जिम्मेदारी सौंप दिती। ए ओही पवित्र थां है जिसने आन वाले इतिहास नू भी बदल दिता। नांदेड़ गुरु जी दियां यादां नाल सराबोर है। ये सारे गुरुद्वारे उस दे प्रतीक हन, जिवें ए गुरुद्वारा नगीना काट। इत्थों दी कहानी भी हीरा काट दे वर्गी है। एक बार एक अमीर सिख ने गुरु जी नू एक रतन जड़ी बेशकीमती मुंदरी भेंट कीती। गुरु जी ने उसनू पानी विच सुट दिता। बेचारा सिख घबरा के उस मुंदरी नू कढ़न लई नदी विच कुद पिया। उत्थे उसने बेहसाब रतन जड़ियां मुंदरियां वेखियां। वो दौड़ के वापस आया अते गुरु जी दे चरणा विच डिग के माफी मांगदिया आखन लगा कि जिस कोल सब कुछ है उसनू ओ तुच्छ की दे सकता है। गुरु जी जगह जगह खेमे लांदे सन, इसलिए सिखा ने गुरु जी नू बेनती कीती कि क्यों ना जमीन दा एक टुकड़ा मुल लैके उथे गुरुद्वारा बनाया जाए। गुरु जी मुस्कुराए अते उना ने एक तीर छड़दिया होया कहा, इस तीर दा पिछा करो अते जिथे ए तीर डिगे ओ ही मेरी थां समझो। ए ओही पवित्र थां है जिथे गुरुद्वारा सचखंड श्री अबचल नगर तख्त श्री हजूर साहब दे नां नाल प्रसिद्ध है। गुरु जी दा पवित्र स्थान है, सारे सिखां अते संगत दी खिच दा केंद्र बनया होया है। जदों पहले गुरु गुरु नानक देव जी इस खेतर विचों गुजरे सन तां हजारां आदिवासी बंजारे अते पिछड़े वर्गां दे लोक उन्हां दे उपदेशां नूं सुन के उन्हां दे भगत बन गए सन। ओ परंपरा इत्थे दसवें गुरु जी दे निवास दे समय होर भी वधी। ओ लोक गुरबाणी दा पाठ अपनी लोक भाषा विच करदे हन अते गुरु जी नूं अपने ही ढंग नाल श्रद्धा दे फुल भेंट करदे हन। नांदेड़ विच आराम दे समय उन्हां दे सिखां दी गिनती बहुत ज्यादा हो गई सी।
इसलिए गुरु लंगर हमेशा चलता रहता सी, जिस विच उच नीच अमीर गरीब दे भेदभाव दे बिना हजारां लोकी कठियां बह के लंगर छकदे सन। यह है नांदेड़ विच गुरु का लंगर। असीं फेर तो पिछे दी गल करते हैं। सन 1708 नवा बादशाह अपनी फौज दे नाल दखन विच उबरी बगावत नूं कुचलन लई लग्या होया सी अते गुरु जी नांदेड़ विच अपने धर्म प्रचार विच जुटे हुए सन। उधर सरहंद विच वजीर खान नूं बादशाह दे नाल गुरु जी दी मित्रता अते उनां दे वधदे प्रभाव ने फिक्रमंद कीता होया सी। सब तो वध परेशानी दी गल ए सी कि बादशाह ने गुनाहगारां नूं सजा देण दा वचन गुरु जी नूं दित्ता होया सी। सूबेदार नूं अपने सिर ते तलवार लटकदी नजर आ रही सी। पेशेवर कातिल नांदेड़ पहुंचे अते संगत नाल जुड़ गए तां जे गुरुजी बारे पूरी जानकारी ले सकन। दोवें गुरुजी दे डेरे विच नेम नाल जाण वालियां विच शामिल हो गए। सारे उन्हां नूं भी भगत ही समझदे सन। उह इक दिन मौका वेख के जदों अंग रखक लखा सिंह ऊंग रिहा सी तां हौले जिहे तंबू विच वड़ गए जिथे गुरुजी आराम कर रहे सन। एक पैरे ते रिया अते दूजे ने अंदर जाके गुरु जी ते एकदम वार कीता, पर गुरु जी ने झट अपनी तलवार कड के उसदा सिर कलम कर दिता। लखा सिंह ने दूजे नु भी मौत दे घाट उतार दिता। गुरु साहब दुर्घटना में बादशाह नु खबर कीती गई। उसने झट सूरत तो एक डॉक्टर नु गुरु जी दी सेवा विच भेजिया और आपके साथ भेजेंगे। गुरु जी दा जख्म भरन लगा अते ओ छेती ही तंदुरुस्त हो रहे सन। उन्होंने सत्संग फिर शुरू कर दिता। एक दिन एक भगत नवा तनुष लेके आया जिहड़ा गुरु जी नूं बहुत पसंद आया। गुरु जी अपने आप नूं रोक ना सके, उन्होंने तनुष चुक लिया ते जोर नाल तान के खिंचिया। भरदा होया जख्म ए जोर सह ना सकिया अते टांके टुट गए ते जख्म खुल गया। खुलिया होया जख्म गुरु जी दे सेवकां लई बंद करना मुश्किल सी। खून तेजी नाल वग रहा सी। फिर गुरु जी ने महसूस किया कि उन्हां दा इस धरती ते जन्म लैण दा मकसद पूरा हो गया है। उन्हां ने वो सब कुछ कर लिया सी जिस लई अकाल पुरख ने उन्हां नूं इत्थे भेजिया सी कि एक नवा चेतन समाज बने जो सारे बंधना अते भेद भावां तो मुक्त होवे। उन्होंने अपने सिखां नूं दस्या कि अकाल पुरख दी यही इच्छा है कि हुण ओ उसदे चरणा विच वापस पुजण। ये सुन के उन्हां दे सिख बहुत विचलित हो गए। गुरु जी ने उन्हां नूं हौसला दिता अते आखिया कि परमात्मा अकाल पुरख दा पाणा मन्नो। जद संगत ने उन्हां पासों गुर गद्दी दे वारस दे बारे विच जानना चाहिया तां उन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब वल संकेत कीता। उन्हां ने कहा कि यह पवित्र ग्रंथ सर्व धर्म मनुखी समाज दे संतां अते गुरुआं दे हजारां बरसां दे महान उपदेशां अते प्रवचनां दा संकलन है। हुण अज तो ग्रंथ जी नूं ही गुरु मन्नो। जो परमात्मा नूं पाणा चाहुंदे हन उह इस विचों ही खोजण। पंज सियाणियां दा फैसला सर्व परवान होवेगा। इही पंथ दा मार्गदर्शन है। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देहधारी
गुरु दा पद समाप्त कर दिया होया सांझे मार्गदर्शन दी नवी परंपरा कायम की थी। इस दे बाद उन्होंने अपने पावन वस्त्र पहने अते पवित्र ग्रंथ दे सन्मुख हाथ जोड़ के खड़े होए अते अरदास की थी। फिर चार बार ग्रंथ साहब दी परिक्रमा करके परंपरा अनुसार एक नारियल अते पांच पैसे पेंट करके ग्रंथ साहब नू अगला गुरु निश्चित कीता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जांदी वारी कहा सी कि मेरे बाद गुरु जो होएगा वह अज गुरु ग्रंथ साहब होएगा। गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या विच कई गल्लां बड़ियां अनेक हैं जिहड़ियां सानूं होर जगह नहीं मिलदियां। वो सारी सदियां विच सारे हिंदुस्तान के हिस्सों विच बड़ियां भाषावां बोलने वाले जिन्हें जिन्हें रब के प्यारे सन या प्रभु के भगत सन उन्हां सारयां दी बाणी नूं इकट्ठा कर चाहे वह मुसलमान होवे चाहे वह किसी जात दा होवे चाहे नामदेव चाहे कबीर वो सारयां दी बाणी नूं ग्रंथ साहिब विच जमा करके उन्होंने दो गल्लां साबित कर दित्तियां। एक तो ये कि रब एक है उन्हूं किसी भाषा याद किया जाए प्रभु भगती उस तरह ही कायम रहती है। लेकिन सब कोलों वड्डी गल होई सी कि सब कोलों वड्डा जोर इस मनुखता दे उपर सी ह्यूमनिज़म और ये जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब ने सानूं हौसला भी दिता सानूं हिम्मत भी दिती सानूं प्रभु भगती भी दिती और सानूं नाल इंसान नूं इंसान समझण दी ताकत दिती। एक जोत जो 42 वर्यां तक जगती रही 7 अक्तूबर 1708 नूं अकाल पुरख दी जोत विच समा गई। नहीं वो अंत नहीं सी सगो नवी शुरुआत सी। दसवें गुरु एक महान विरासत छड गए उन्होंने खालसे ने उत्तर पच्छम भारत दे कश्मीर अते पंजाब विच जालमां दे शासन नू पुट सुटिया अते सानू फिर सन्मान नाल छाती तान के खड़े होण दा अवसर दिता। उन्हां दा अते उन्हां दे कुटुंब दा बलिदान अथाह है। उन्होंने जो भी किया किसे ताज तख्त वास्ते नहीं सगों दूजियां ले साडे ले। आज समाज अते सारा देश उन्हां दा ऋणी है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु